एप्लीकेशन हमने पूरी कर ली है कंप्लीट, इसमें एडिट डिलीट सब कुछ कर लिया है। मोंगो डीबी का हमने जो तमाम की तमाम वैलिडेशन जो थी, ठीक है, इस वेरिएबल की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से। तो हमने तमाम की तमाम वैलिडेशन और सब कुछ लिमिट और सॉर्ट जो जो पॉसिबल था इसके अंदर, इस सिंपल क्रैड ऐप के अंदर, वो सब हमने इस पर लगा लिया है। अब हम जो है वो हमने ऑथेंटिकेशन का काम करना है नेक्स्ट, ठीक है। ऑथेंटिकेशन जैसा कि हमने देखा था पहले कि हमारी ये एक्सप्रेस की ऐप है, यहाँ से जब रिक्वेस्ट एंटर होगी इसमें तो ये ऑथेंटिकेशन के राउट्स होंगे इसमें, यानी कि लॉगिन और साइनअप, जो कि अनप्रोटेक्टेड राउट है, जो कि पब्लिक है, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, अगर इन दोनों पे ये मैच नहीं होता है तो ये नीचे आएगा और यहाँ पे JWT की ऑथेंटिकेशन का जो चेक होगा कि आया कि बंदे के पास वैलिड टोकन है या नहीं है, ठीक है। और अगर ये पास होगा यहाँ से, अगर टोकन वैलिड हुआ तो ही नेक्स्ट कॉल होगा, अदरवाइज यहाँ से इनवैलिड टोकन का रिस्पांस चला जाएगा और साथ में स्टेटस जो उसका होगा वो क्या होगा, 401 होगा, ठीक है। HTTP स्टेटस कोड हमने देखा था कि क्या चीज़ होती है, 200, 400, तो 401 का मतलब होता है अनऑथेंटिकेटेड। ये एक मतलब जेनेरिक कोड है, आप समझ लें क्या उसको कहेंगे, कन्वेंशन है, ठीक है। आप वैसे कोई भी कोड रखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 401 रखा जाता है अनऑथेंटिकेटेड के लिए। अच्छा, और उसके बाद ये यहाँ से अगर पास होता है, यहाँ से नेक्स्ट कॉल होगा और नेक्स्ट कॉल होने के बाद जो हमारी प्रोटेक्टेड APIs हैं या सिक्योर APIs हैं, वहाँ पे कहानी पहुँच जाएगी, ठीक है। तो बंदे को लॉगिन होना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको समझ लो कि ये काम होगा कैसे। ये काम होगा ऐसे कि जब बंदा लॉगिन करेगा, अच्छा साइनअप तो बहुत सिंपल है, साइनअप में तो ये होता है कि जी वो अपना 5-6 जो भी फील्ड्स होंगी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, XYZ, ये सब जो देगा वो, हम ये सीधा सीधा लेंगे और सीधा उठा के डेटाबेस में रख देंगे। उसके लिए शायद हम एक वो लगाएं कि जो है ना, इस ईमेल से पहले से कोई यूज़र तो नहीं है, इस तरह के कोई वैलिडेशन चेक वगैरह हम लगाएं, दैट्स इट। अदरवाइज उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल सा वो जो 5-6 फील्ड बंदा देगा ना, वो उठा के मैंने MongoDB के अंदर एक कलेक्शन बना लूँगा मैं यूज़र्स के नाम से, ठीक है, या कोई और भी नाम रख सकते हैं, यूज़र्स मेरे ख्याल सबसे अप्रोप्रिएट है हमारे इस केस में। तो यूज़र्स के नाम से एक कलेक्शन बना के उसके अंदर मैं वो पोस्ट करता चला जाऊँगा। अच्छा, वो जब वंस पोस्ट हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं एक लॉगिन का भी राउट बनाऊँगा। लॉगिन में मुझे क्या मिलेगा, ईमेल और पासवर्ड फ़िलहाल के लिए। अच्छा, वैसे तो लॉगिन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे जो बेसिक है और सबसे जो समझ लें क्लासिक जो तरीका है, वो ईमेल पासवर्ड लॉगिन है। कोई भी वेबसाइट होती है उसमें ईमेल पासवर्ड लॉगिन लाजमी होता है, चाहे कोई और हो या ना हो, ठीक है। वंस आपको ईमेल पासवर्ड वाला लॉगिन समझ आ जाएगा तो बाद में और भी समझ आ जाएंगे। सोशल लॉगिन्स वगैरह भी बेसिकली जो है, इंटरनल जो उनका है मैकेनिज्म काम करने का, वो यही है जो ईमेल पासवर्ड में हम फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा वो समझ का फेर है। अच्छा, तो लॉगिन में हमें मिलेगा दो इनपुट, ईमेल और पासवर्ड। वो ईमेल और पासवर्ड हम लेंगे और उसको जाके हम डेटाबेस में कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, उस ईमेल से हम क्वेरी मारेंगे, कोई यूज़र होगा तो उठ के आ जाएगा, पासवर्ड मैच कर लेंगे उससे। अगर मैच हो गया तो ठीक है, नहीं मैच हुआ तो हम वहाँ पे बोल देंगे कि भाई इनवैलिड पासवर्ड है ये, ठीक है, 401 करके इनवैलिड पासवर्ड करके हम भेज देंगे। अगर तो वो मैच हो जाता है, अगर वो मैच हो जाता है तो मैं उस पॉइंट पे एक टोकन जनरेट करूँगा। एक क्या जनरेट करूँगा, मैं एक टोकन जनरेट करूँगा और मैं उसको भेज दूँगा, जो लॉगिन की रिक्वेस्ट आई थी ना उसके रिस्पॉन्स में मैं डाल के भेज दूँगा फ्रंट एंड पर, उसके रिस्पॉन्स में मैं फ्रंट एंड पर डाल के मैं भेज दूँगा। अच्छा, कैसे भेजूँगा वो हम देखते हैं अभी प्रैक्टिकल करके। वंस वो टोकन मैं भेज दूँगा यूज़र को, तो अब मैं यूज़र से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं यूज़र से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब वो जब भी रिक्वेस्ट करेगा यूज़र, तो वो टोकन साथ लाएगा अपने, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर बंदा बोलता है ना कि /API/V1/post, वो पोस्ट सारी मंगवा रहा है, तो वो टोकन साथ भेजेगा, ठीक है। और मैं, क्योंकि हर नई आने वाली रिक्वेस्ट ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ गिरती है एक्सप्रेस में, तो अगर वो /API/V1/post लिखा है तो इधर तो वो हिट होगा नहीं, इससे वो आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा तो चेक पे आएगा। टोकन अगर हुआ और वैलिड हुआ तो ये चेक पास हो जाएगा, तो जब ही वो यहाँ पे पहुँचेगा, सही है। अगर टोकन इनवैलिड हुआ उसका, ठीक है, या एक्सपायर हुआ, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर चेक करवाएंगे कि भाई वैलिड भी है और मतलब एक्सपायर भी नहीं हुआ हुआ, सब चीज़ें हम चेक कराएंगे। और इसी बंदे का टोकन है, किसी और का टोकन तो नहीं लेके आ गया ये, वो सारी चीज़ें हम क्या कहते हैं चेक करवा के यहाँ पे, और फिर हम उसको नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो इस API तक पहुँचेगा। ये फ्लो समझ आ गया सब लोगों को, इसमें कोई शक, किसी को कोई मसला, कोई ऐसी बात जी।
दोस्त ने सवाल पूछा है कि अगर कोई बंदा स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश पोस्ट जो कि एक सिक्योर एपीआई है मेरी, अगर उस पर डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर देता है बगैर लॉगिन किए हुए, ठीक है, तो क्या होगा? अच्छा, बगैर लॉगिन किए हुए, देखो एपीआई में ना ये सीन नहीं है कि बगैर लॉगिन किए हुए एपीआई, ये जो सिक्योर एपीआई है ना, इसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब भी इधर आएगा ना टोकन साथ लाएगा, ठीक है? तो अगर वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता है, अगर उसने लॉगिन नहीं किया है, उसके पास टोकन नहीं मौजूद है, तो वो क्या होगा, इस वाले चेक से कभी आगे बढ़ेगा ही नहीं वो, ठीक है? अच्छा, लॉगिन कर लेना भी मतलब ये नहीं है कि लॉगिन करने का, लॉगिन कर लिया ना उसने, टोकन उसको मिला है, अब अगली एपीआई में टोकन अटैच करके भेजेगा वो। अगर लॉगिन कर भी लिया उसने और अगली रिक्वेस्ट में उसने टोकन अटैच करके नहीं भेजा, तो इट विल बी कंसिडर्ड अनऑथेंटिकेटेड। हाँ तुम लॉगिन करके उसके बारे में से ओएलएक्स की है हाँ देख लो सब कुछ, अगर ऑर्डर करना है या फिर कुछ कमेंट करना तो फिर लॉगिन करके जाओ, ये करवा लो सब। ये डायरेक्ट उसको नहीं बोलते लॉगिन करो, पहले ऐप एक डाउनलोड किया, ऐप खुल गया, ऐप में ना सारे ग्रोसरी के आइटम भी दिखा रहा है बगैर लॉगिन किए, साइन अप किए बगैर। जब हम जब बाद में जब उसमें क्लिक क्लिक करते कहीं पे जैसे कि कुछ चीज़ खरीदने का, फिर वो कहता है कि पहले आप लॉगिन कर लें उसके बाद आगे की चीज़ें। हाँ, बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल पूछा दोस्त ने। दोस्त ने कहा कि यार ये तो बड़ा रेयर केस बताया आपने कि पहले बंदा हर दफ़ा पहले लॉगिन ही करेगा, सही है? बाज़ औक़ात तो ये होता है कि मैं जब ओएलएक्स खोलता हूँ तो वो मुझे डैड्स दिखा देता है, सारे प्रोडक्ट सारे के सारे वो मुझे दिखा देता है, और ये जैसे फेसबुक खोलता हूँ तो पोस्ट मुझे दिखा देता है वो। वंस उस पोस्ट पर मैं लाइक या कॉमेंट करने की कोशिश करता हूँ तो फिर मुझे वो कहता है कि यार आप लॉगिन करो। अच्छा, ठीक है, ये तो एक हो गया, इस पर मैं आता हूँ। हमारा जो फ्लो है ना इस वक्त ये वाला, वो हम उस फ्लो में बात कर रहे हैं कि बंदे ने वेबसाइट डायरेक्ट खोली, जैसे facebook.com आपने खोला, तो facebook.com अगर आपने खोला है ना और आप अगर लॉगिन नहीं है तो वो आपको पहले लॉगिन दिखाएगा, वो कभी भी आपको पोस्ट डायरेक्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है? इंस्टाग्राम आप खोलते हैं, OLX खोलते हैं आप, ठीक है, OLX में भी मेरा ख्याल है वेब में वो यही करता है कि जी आप जब OLX.com खोलते हैं ना तो वो पहले लॉगिन करने बोलता है आपसे, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना जो सोशल मीडिया, जैसे हम क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया की ऐप बनाने जा रहे हैं अभी, तो उसमें यही होता है कि आप जब बेस यूआरएल के ज़रिए उसको ओपन करते हैं तो वो पहले आपको बोलता है भाई लॉगिन करो, उसके बगैर आपको वो कोई काम करने नहीं देता है। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि मैंने तो उसको ये फ्रंट एंड के ऊपर ना ये भी क्राइटेरिया डिसाइड हो रहा होता है फ्रंट एंड के ऊपर, इसको हम स्ट्रेटेजी बोल लो फ्रंट एंड की। तो फ्रंट एंड के ऊपर मैं उसको कोई ऐसी चीज़ दिखाता ही नहीं हूँ जिसमें सिक्योर एपीआई कॉल करनी पड़ जाए, ठीक है? फ्रंट एंड पे अगर बंदा, क्योंकि मुझे तो पता है ना, क्योंकि जो लॉगिन करने के बाद वो जो टोकन स्टोर होगा ना वो फ्रंट एंड पे ही होता है, तो उस टोकन को देखते हुए ना मैं फ्रंट एंड पे बहुत सारे डिसीजंस ले सकता हूँ कि अच्छा जी अगर तो लॉगिन है और टोकन मौजूद है फ्रंट एंड में तो उसको क्या पेज दिखाऊं, और अगर मौजूद नहीं है तो क्या पेज दिखाऊं। तो जैसे ही मेरा पेज लोड होता है ना facebook.com, तो सबसे पहले मैं वो टोकन चेक करता हूँ कि आया कि वो टोकन है या नहीं है। अगर टोकन नहीं है तो मैं उसको दिखाता ही नहीं हूँ कोई और पेज, मैं सीधा उसको लॉगिन का पेज दिखाता हूँ, ठीक है? तो उस सूरत में उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो लॉगिन या साइन अप के अलावा कोई तीसरी एपीआई कॉल कर दे। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, तो ये बात हो रही है फ्रंट एंड के हिसाब से, लेकिन स्टिल मेरी जो एपीआई है ना उसमें मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई भी किसी भी टाइम किसी भी एपीआई को कॉल कर सकता है पोस्टमैन के थ्रू डायरेक्ट। तो मैं हर एपीआई के लिए टोकन तो चेक करूँगा, मैं जो भी मेरी सिक्योर एपीआईज हैं उनके लिए मैं क्या करूँगा, टोकन चेक करूँगा मैं, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्रंट एंड से रिगार्डलेस कोई भी किसी भी वक्त कोई भी एपीआई कॉल कर सकता है, ठीक है? ये बात समझ आ गई सब लोगों को कि आमतौर पे क्या होगा, जो पेज उसको दिखेगा ही सबसे पहले लॉगिन साइन अप का, तो सबसे पहले वो लॉगिन करेगा। वंस उसने लॉगिन कर लिया तो टोकन जब फ्रंट एंड पे स्टोर होगा जाके, तो ऑटोमेटिकली फिर उसको लॉगिन का पेज नज़र नहीं आएगा। मैं ऐसी लॉजिक लगाऊंगा फ्रंट एंड पे कि उसको लॉगिन का पेज नज़र नहीं आएगा, उसको डायरेक्ट कौन सा पेज नज़र आएगा, जो लॉगिन होने के बाद वाला पेज है। आया कि वो प्रोफाइल पेज हो सकता है, अगर फेसबुक के केस में वो फीड न्यूज़ फीड का पेज हो सकता है, तो वो पेज नज़र आएगा। उस पेज के ऊपर जितने भी बटन्स हैं जिस पे एपीआई कॉल लगी हुई है सारी, वो सारी की सारी मोस्टली सिक्योर एपीआईज होती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया क्लासिक अप्रोच, लेकिन ये चीज़ बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है, ठीक है? ये जो मैंने फ्लो बताया ना, ये बिजनेस टू बिजनेस क्या करता है, वेरी करता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ना मिसाल के तौर पर जैसे OLX की अगर हम बात करें, तो OLX में क्या है भाई, प्रोडक्ट एड API ना, उसमें एड्स होते हैं ना, एड्स API।
मैं यहाँ पे ऐड एपीआई को कहाँ पे रख रहा हूँ, इस चेक से पहले रख रहा हूँ, तो क्या होगा, ये वाली एपीआई क्या होगी, पब्लिक हो गई। अच्छा, या मैं ये कर सकता हूँ कि जो एड्स की एपीआई है ना, उसको भी उसके चार हिस्से करूँ अलग अलग, भाई ऐड में करड़ होगा पूरा एक्चुअली। तो सिर्फ गेट करने वाला जो है ना, सिर्फ गेट करने वाला जो पार्ट है ना, वो मैं पब्लिक में रख दूँ, और बाकी का जो बकाया जो पार्ट है वो मैं इस चेक के बाद रखा दूँ। सही है, ऐड एपीआई बाकी की मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो सिर्फ गेट वाला जो अगर रिक्वेस्ट आएगी ना, मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आती है स्लैश एपीआई स्लैश v1 स्लैश ऐड, सही है, और ये रिक्वेस्ट मेरे पास हुई गेट की रिक्वेस्ट, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे हिट हो जाएगी और यहाँ से ऐड लेके वापस चली जाएगी, ठीक है। लेकिन ऑन अदर एंड अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, कौन सी वाली वाला, अगर मेरे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट आती है, पोस्ट की रिक्वेस्ट में मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो बंदा है पोस्ट करने वाला ऐड, वो बंदा कौन है, सही है, वो बंदा कौन है वो बंदा। तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास जब पोस्ट की रिक्वेस्ट आती है, तो मैं बोलता हूँ कि ये पोस्ट की रिक्वेस्ट मैं इस चेक के बाद रखूँगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा वाला है। अच्छा, इसी तरीके से जो है मेरे पास जब डिलीट की रिक्वेस्ट आती है, तो भी मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि ये बंदा कौन है। अगर तो वो खुद उस पोस्ट का ऑनर है, तभी उसको मैं डिलीट करने अलाउ करूँगा। वैसे तो मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रंट एंड पे उसको डिलीट का बटन ही नहीं दिखेगा, अगर खुद ऑनर नहीं है वो, तो फ्रंट एंड पे मैं ये चेक कर लूँगा कि ये इस ऑनर नहीं है पोस्ट का, क्योंकि होता है ना कि फ्रॉम किसने की है ये पोस्ट और टू किसने, मतलब हम लिखते हैं आमतौर पर आईडी, तो अगर वो आईडी मैच नहीं कर रही होगी तो फ्रंट एंड में उसको डिलीट का बटन नहीं दिखाऊंगा। लेकिन स्टिल मैं डिलीट को इधर टोकन के बाद रखूँगा, टोकन वाले चेक के बाद, कि अगर समहाउ उसने डिलीट की एपीआई कॉल कर भी दी है, तो उसका ऑनर होना ज़रूरी है उसको, ठीक है। और इसी तरह जो है पुट की भी, कि भाई अगर वो पुट कर रहा है कोई ऐड को, तो जो है ना एडिट कर रहा है अगर, तो एडिट में भी उसका ऑनरशिप होना ज़रूरी है। ऑन अदर एंड गेट वाले को मैंने क्या किया है, यहाँ पे चेक से पहले लगा दिया कि गेट की एपीआई कोई भी कॉल करेगा ना, अनऑथेंटिकेटेड भी होगा बंदा और वो कॉल करेगा, तो उसको एड्स मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो अब इस तरह की सिनेरियो में मैं अपना जो फ्रंट एंड बनाऊंगा वो कैसा बनाऊंगा, वो मैं ऐसा बनाऊंगा कि जब olx.com कोई खोलता है, ओपन करता है, तो मैं, मुझे तो पता है फ्रंट एंड पे कि बंदा लॉगिन नहीं है, तो मैं टॉप पे एक पट्टी दिखाऊंगा लॉगिन और साइन अप के बटन के साथ, और नीचे उसको पूरा olx खोल के दिखा दूंगा। अब वो फिल्टर्स भी लगाएगा, सामने उसको ऐड दिख रहा होगा, कैटेगरीज में वो जाएगा, क्योंकि वो गेट की, असल में तो किसी भी कैटेगरी पे मैं चला जाऊँ ना, वो गेट API ही कॉल होगी, गेट की API कॉल होगी कैटेगरीज के साथ, लोकेशन के साथ, सॉर्ट का जो पैरामीटर है फ्रंट एंड पे उसके साथ, यानी 20-25-30 पैरामीटर हो सकते हैं इस गेट ऐड के। तो वो कोई भी पैरामीटर देके उसको कॉल करेगा, उसको रिस्पांस मिलेगा, फ्रंट एंड पे वो देखता रहेगा, अगर वो लॉगिन नहीं करता कोई मसला नहीं है। हाँ, फिर मैं क्या करूँगा कि किसी ऐड के ऊपर उसको फ़ोन नंबर देखने नहीं दूँगा, क्यों? अच्छा, असल में चक्कर क्या होता है कि इस तरह की जो गेट की API है, उसमें हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि भाई किस बंदे ने इसका फ़ोन नंबर देखा या किस बंदे ने इसकी लोकेशन देखी, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो मैं क्या करूँगा, मे बी अगर ये अनऑथेंटिकेटेड होगा ना, तो अनऑथेंटिकेटेड में मैं गेट एड्स अलग बना दूंगा, और ऑथेंटिकेटेड में गेट एड्स में अलग बना दूंगा। अनऑथेंटिकेटेड में क्या करूँगा, मैं फ़ोन नंबर भेजूंगा, लेकिन स्टेरिक करके भेजूंगा, ऐसा करके भेजूंगा कि लिखा हुआ समझ ना आए, ठीक है, आधा हाइड करके भेजूंगा। कर सकता हूँ ना मैं, ये स्ट्रिंग को उठाऊँ, दरमियान से आधा स्टेरिक कर दूँ, आधा नॉर्मल कर दूँ, तो मैं इस तरह करके भेजूंगा। मैं ये भी कर सकता हूँ, ये दो बना दूँ मैं, एक ऑथेंटिकेटेड एक अनऑथेंटिकेटेड, एक इससे पहले एक उसके बाद। या अच्छा, थोड़ा सा मुझे शायद उसके लिए API का नाम चेंज करना पड़े, मे बी मैं इसको बनाऊँगा यार अनऑथ ऐड, ठीक है, गेट की API लगाऊँ मैं, लेकिन अनऑथ कर दूँ इसको साथ में, यानी URL में जब, मतलब अब इस तरह ये URL कॉल करेगा ना बंदा, तो वो क्या करेगा, स्लैश API स्लैश V1 और अनऑथ ऐड्स, सही है, ऐस लगा हुआ है, तमाम एड्स गेट होंगे लेकिन अनऑथ वाली API है ये, क्योंकि मुझे तो फ्रंट एंड पे पता है ना कि बंदा लॉगिन है या नहीं है, तो मैं उसको उसी हिसाब से स्क्रीन दिखाऊंगा और मैं उसी हिसाब से API कॉल करूंगा। तो मैं अनऑथ की बहुत सारी API बना सकता हूँ, कि सेम API होगी गेट करने की ऐड, लेकिन अनऑथेंटिकेटेड में अलग डेटा दे रही होगी वो, ऑथेंटिकेट होने के बाद वो अलग डेटा दे रही होगी,
ठीक है। अच्छा मिसाल के तौर पे अब मेरे पास क्या है कि जी वो बंदे ने ols.com खोला, मैंने ऐड दिखा दिए सारे, ऊपर पट्टी भी दिखा दी लॉगिन साइनअप के बटन के साथ। अब वो ऐड देख रहा है, वो किसी भी ऐड पे क्लिक करता है, वो ऐड बड़ा हो गया सामने, खुल जाता है पॉपअप में, लेकिन वो साइड में फ़ोन नंबर में आजकल उन्होंने क्लिक करने में शो करता है, वो जब मैं क्लिक करूँगा ना तो वो मुझे पॉपअप खोल के देगा कि प्लीज़ लॉग इन बिफोर व्यूइंग नंबर, या यू कैन नॉट सी नंबर बिफोर लॉग इन, इस तरह की कोई बात करके मैं उसको बोलूँगा भाई पहले लॉग इन करो आप, ठीक है। क्योंकि ये एनालिटिक्स होती है, ये डेटा बड़ा काम का होता है, तो आप ये चाहेंगे कि जो भी फ़ोन नंबर देख रहा है इम्प्रेशन भी काउंट करना है अपने, और दूसरा उस बंदे का नाम भी काउंट करना है कि यार किसने देखा है ये, ठीक है। और ये डेटाबेस में आमतौर पर इन चीज़ों को स्टोर किया जाता है, और ये बाद में AI वगैरह की ट्रेनिंग के लिए भी काम आता है। अपनी ही वेबसाइट को अगर आपने ट्रेन करना है कि किस तरह के लोग किस तरह का ऐड ज़्यादा देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इंप्रेशन का भी एक लेवल होता है ना कि जी सिर्फ सामने से देख के गुजर गया बंदा, कि जी 2 सेकंड रुका एक ऐड पे देखा उसको, एक ये कि जी क्लिक करके उसको खोला, एक ये कि खोला भी और नंबर भी चेक किया उसको, तो ये 3 लेवल के इंप्रेशन हो गए ना। तो बाद में AI वगैरह की ट्रेनिंग के लिए भी ये काम आ सकता है इस तरह का डेटा, कि अच्छा जी किस तरह का बंदा किस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, या किस लोकेशन पे रहने वाला बंदा किस तरह के एड्स उसने मिसाल के तौर पर 2020 में किस तरह के ऐड देखे गुलशन में रहने वाले लोगों ने, तो ये पीछे की हिस्ट्री मेंटेन होती है। तो इन चीज़ों के लिए हम इंप्रेशन को काउंट करते हैं, बाकायदा डेटाबेस में कलेक्शन बना के उसमें रखवा रहे होते हैं उसको। अच्छा जी, तो ये समझ आ गया आपको? दोबारा बोलो, समझा नहीं। हाँ ऐसा ही होगा, बिल्कुल सही है। अच्छा बाई द वे, एक ही URL के ऊपर ना, एक ही जैसे अभी फ्रंट एंड के हिसाब से सोचो, अगर हम तो HTML का पेज हमने बनाया अभी तक, अभी किसी फ्रेमवर्क पे हम नहीं गए। अब तुम जैसे लिखते हो, जैसे Firebase होस्टिंग पे तुमने एक पेज होस्ट कर दिया, या GitHub पेजेस पे एक पेज होस्ट कर दिया, अब वो तो index.html पे एक ही चीज़ दिखती है ना, लेकिन मैं उसी पेज पे ना कंडीशनली कि आया कि बंदा लॉगिन है या नहीं है, मैं उस पेज पे कुछ और भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। कैसे दिखाऊँगा मैं वो? मैं 2 HTML के पेजेस बनाऊँगा, ठीक है, 2 HTML के पेजेस बनाऊँगा मैं, और कंडीशनली मैं इफ़ लगा के ना वो पूरा इनर HTML रिप्लेस मार सकता हूँ। बंदे को नहीं पता चलेगा, बंदे को दिखेगा index.html ही खुला हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली में दूसरा पेज उठा के ना उसको JavaScript के ज़रिए और इंजेक्ट करा के पूरा HTML रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। या मैं ये कर सकता हूँ कि जो है ना उसको रिडायरेक्ट करा दूँ मैं, यानी खोले वो इंडेक्स का पेज, लेकिन जैसे ही मैं देखूँ कि टोकन नहीं है तो मैं उसको रिडायरेक्ट करा दूँ एक दूसरे पेज पर, उसका नाम मैं रख दूँ landingpage.html, ठीक है। अच्छा, जब वो जैसे ही लॉगिन हो जाए तो फिर मैं उसको क्या कहते हैं landingpage.html की बजाय मैं उसको dashboard.html पे रिडायरेक्ट करा दूँ, तो डैशबोर्ड भी लैंडिंग पेज जैसा फील करा रहा है नाम, और ये भी फील करा रहा है। तो मैं अंदर एक इफ़ की लॉजिक लगाऊंगा, इफ़ टोकन डू नॉट एग्जिस्ट, पेज तो लोड होगा, होम जो भी index.html या जो भी है वो लोड होगा, लेकिन index.html पेज लोड होते ही उसको कहाँ भेजेगा? वो आया या तो डैशबोर्ड पे भेजेगा या तो उसको लैंडिंग पेज पे भेजेगा, डिपेंडिंग ऑन कि उसका टोकन इस वक्त फ्रंट एंड पे सेव है या नहीं है, और वो टोकन वैलिड है या नहीं है, ठीक है। ये मैं फ्रंट एंड से चेक कर सकता हूँ बकायदा, जेसन वेब टोकन। अच्छा, तो अभी तो JWT की कहानी बहुत बाद में आएगी, पहले तो हम ज़रा साइनअप की API लिख लेते हैं और लॉगिन की API लिख लेते हैं दोनों से जल्दी से ना। अच्छा ऑथ, अच्छा ये जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ किसकी, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, सही है। हमारे केस में अभी क्या है, अनऑथेंटिकेटेड राउट जो है उसमें सिर्फ लॉगिन साइनअप है फिलहाल, ठीक है, और कोई और चीज़ नहीं है। हालांकि मैं कोई भी API बना सकता हूँ चेक से पहले, तो वो अनप्रोटेक्टेड होगी, अनऑथेंटिकेटेड होगी। अच्छा जी, मैं ऑथ राउट के अंदर गया और मैंने साइनअप का राउट लिखना शुरू किया। अच्छा साइनअप कौन सा कॉपी? हाँ फोल्डर की कॉपी बना लूँ। गुड यार, थैंक यू तुमने बताया मुझे। अच्छा इसमें मैंने क्या चेंजेस किए हैं? अच्छा कोई चेंज वैसे, अच्छा इसमें 401 लगाया मैंने और ये लगाया। अच्छा इतने को मैं कमिट कर देता हूँ।
इतने को मैं कमिट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इस फोल्डर की एक कॉपी बना लेता हूँ, जो फोल्डर नंबर 7 है इसकी मैंने कॉपी बना ली, एंड दिस कॉपी इज कॉल्ड 8. सही है, इसमें JWT मैं लिख देता हूँ वैसे, क्योंकि इसी फोल्डर में बनाऊँगा फिर पूरा JWT वाली कंप्लीट करके ना। सही है, और सारी फाइल्स को मैंने क्लोज़ कर दिया, और ये JWT वाले पे आके मैं क्या करता हूँ, अच्छा जी यहाँ पे मैं आ गया जनाब, यहाँ पे आके मैं ये ऑथ राउट के अंदर चला गया, और ऑथ राउट के अंदर जाने के बाद मैंने क्या करना है, साइन अप करना है। अच्छा, साइन अप में एक्चुअली क्या होगा, क्रिएट वाला काम कर रहा हूँगा ना, तो डेटाबेस में मैंने क्रिएट वाला काम पहले किया हुआ है, तो आ जाते हैं उसी को ज़रा कॉपी पेस्ट मारते हैं यहाँ जल्दी से लाके। ठीक है, कहाँ पर किया था मैंने, ये पोस्ट राउट वाले में काम किया था। ठीक है, ये था ना वैलिडेशन एक लगाई थी मैंने कि जी चार चीज़ें मुझे चाहिए, एग्जैक्टली इसी तरह वैलिडेशन लगेगी साइनअप में, और क्या होगा। उसके बाद जो है ना ऐसे करके मैंने वो पोस्ट किया था, तो आज वो पूरे को उठा लेते हैं यहाँ से, इसमें एक्चुअली मज़ीद वैलिडेशन और भी लगेगी। ठीक है, कहाँ गया मेरा ऑथ राउटर, ठीक है साइनअप के अंदर ये मैंने जो दिस इज साइनअप लगाया था इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और मुझे क्या मिलेगा साइनअप में, ठीक है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सही है, और ईमेल, पासवर्ड, ठीक हो गया भाई। नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग ही लेते हैं, देखो फर्स्ट नेम जो है ना और लास्ट नेम उसका डिफरेंस ये होता है कि लास्ट नेम जो है ना ये फैमिली नेम, मतलब फैमिली नेम होता है लास्ट, तो ये एक्चुअल में नाम का पार्ट नहीं होता आपके, लेकिन लास्ट नेम होता है आप साथ लिखते हैं, सर नेम भी कहते हैं इसको, ठीक है फैमिली नेम कहते हैं आप इसको, सर नेम कहते हैं कि आपके नाम के साथ लिखते हैं लेकिन आपके नाम नहीं होता असल में ये। जैसे एक बंदे का नाम है मोहम्मद इंजमाम और मलिक उसका फैमिली नेम है, तो वो एक्चुअली नेम का पार्ट नहीं है लेकिन नाम के साथ लिखते हैं, तो इसलिए लास्ट नेम हमेशा आप लेते हो। ठीक है, जनरल प्रैक्टिस यही है कि लास्ट नेम आप लेते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे माइकल जैक्सन है, अब माइकल जैक्सन आया कि उसका पूरा अपना नाम है या जैक्सन उसकी फैमिली का नाम है, जैक्सन का मतलब है कि जैक के बच्चे, जैक के बेटे, है ना। नहीं सही, यही होता है अरबी में, हमारे में भी यही होता है ना, जैसे हमारा एक दोस्त है उसका नाम है हमजा बिन कमर, ठीक है हमजा बिन कमर का मतलब है कि कमर भाई का बेटा है ये, हमजा कमर भाई का बेटा, सही है। और अरब में ये बड़ा इसका रिवाज था जो, हाँ अभी भी है सब लोगों का, बेटे के भी नाम से पुकारते हैं, अब्बू के भी नाम से पुकारते हैं, अम्मी के नाम से भी पुकारते हैं, बहुत सारे नाम मतलब तरीक़े हैं अलग अलग उनके ना, जैसे उम्मे सलमा के भाई सलमा की अम्मी, उम्मे सलमा का मतलब है उम का मतलब माँ होता है, उम्मे सलमा सलमा की अम्मी, या क्या है अबी बकर, एक अबू बकर है ना एक अबी बकर भी बोलते हैं ऐसे, तो अबू बकर या अबी बकर एक ही बात है कि अबी या अबू का मतलब अबू और बकर का मतलब है कि बकर के, बकर के अबू हैं ये। अपना नाम क्या है ये नहीं पता, लकब भी होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन अगर कोई कह रहा है ना अबू बकर तो इसका मतलब है कि बकर के अबू हैं ये, तो और कैसे है? हाँ इब्ने करके भी होता है, ठीक है इब्ने का मतलब बेटा होता है ना, हाँ हुसैन इब्ने अली जैसे कहते हैं कि हुसैन और या बिन अली या इब्ने अली एक ही बात है, हुसैन बिन अली या हुसैन इब्ने अली, तो ऐसे तो अच्छा बेटी के नाम से भी याद करते हैं, बेटे के नाम से भी, वालिद के नाम भी साथ में जोड़ते हैं, भाई वगैरह का भी नाम जोड़ते हैं साथ, तो अरब में बड़ा रिवाज है ना। अच्छा कुछ बाय द वे क्वालिटीज़ ऐसी थी, मतलब ये बात से बात निकलती है, तो अरब के लोगों में ना कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी जो नबुवत से पहले भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तो बस ये बुकों में पढ़ाते हैं ना कि अरब जाहिल थे और मतलब ये ऐसे थे वैसे थे, सिर्फ बुराई बयान करते हैं,
लेकिन अरबों की कुछ क्वालिटी ऐसी थी जो नबूवत आप सल्लम के नबूवत आने से पहले भी, आप सल्लम के पैदा होने से पहले भी, उन अरब जो बद्दू लोग थे उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जो उस वक्त के सुपर पावर्स में भी नहीं थी और आज भी शायद नहीं है किसी में, वो क्वालिटीज़ उनके अंदर थी। वो चार पांच क्वालिटीज़ हैं जो उलमा से सुना है मैंने। नंबर एक, बड़े मेहमान नवाज थे, ठीक है, और नाम से याद आए, हर चीज़ का नाम रखते थे वो। इस दरवाज़े का कोई नाम है नहीं है ना, अरब में होता नहीं दरवाज़ा, इसका नाम होता, इसका नाम अलग होता, उस दरवाज़े का, दो दरवाज़े ना इस रूम में दाखिल होने के, तो इस दरवाज़े का नाम अलग होता, उसका अलग होता। पहाड़ों का नाम रखते हैं हम? नहीं रखते, वो रखते हैं भाई, उनके घर के आसपास जितने पहाड़ होते हैं सबके नाम रखते हैं वो अलग अलग। किसी बंदे के पास दो फ़ोन है, अगर नाम रखते हो, फ़ोन का नाम रखा है कभी? अरब में रखते हैं भाई, ठीक है। और ये मतलब उससे मुराद ये है कि वो हसब नसब का बड़ा ख्याल रखते थे। इवन उनके घर में जो घोड़ा है ना, उसका भी उनको पता होता था कि इस किसका, ये किसका बेटा है ये घोड़ा, ये किसका जो, हाँ, आप सल्लम के जितने घोड़े थे सबके नाम थे, आप सल्लम की जितनी तलवारें थी सबके नाम थे, तो वो हसब नसब का बड़ा ख्याल रखते थे। यही वजह है कि अरबी नस्ल का जो घोड़ा है ना, उसकी आज भी बड़ी वैल्यू है और उस ज़माने में भी बड़ी वैल्यू होती थी। क्यों? कि वो जो ब्रीड बनाते थे ना, जो ब्लड लाइन वो चलाते थे, उसको वो मिक्स नहीं होने देते थे इधर उधर, उसका बड़ा ख्याल रखते थे। और अपना भी ना उनको, मतलब पीछे 20-20 नस्लों का नाम पता होता था, हमें तो अपने दादा से ऊपर का नाम नहीं पता होता। मेरे परदादा का कोई नाम पूछे मुझे थोड़ी पता है, कभी अगर कोई बता भी दें अब्बू वगैरह तो फिर भूल जाते हैं बाद में, मुझे बस दादा तक का नाम पता है। लेकिन अरबों में क्या होता था, वो उनको 20-20 नस्लों का बच्चों को नाम याद होता था, उनको पता होता था, उनके यहाँ रिवाज था, ये हमारे यहाँ नहीं है। तो हसब नसब का बड़ा ख्याल रखते थे, चीज़ों का वो नाम रखते थे कि भाई ये घोड़ा है इसका नाम ये है, ये जिसका बेटा है उसका नाम घोड़े का ये था, उसका नाम ये था, ऐसे उसको पूरा पता होता है कि ये किस किस से होकर आया है, ठीक है। अपनी घर चीज़ों के नाम रखते थे घर में, जो ज़रा थी उसका नाम रखते थे, तलवारों का नाम, ज़रा का नाम, तुर्की में भी करते हैं, हाँ। पहाड़ों का नाम, अभी देखें उहद पहाड़ है ना, नाम है ना उसका, हमारे यहाँ तो नहीं होता, हमारे यहाँ भी होता है नाम, लेकिन वो बहुत बड़े कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। हाँ, गार का भी नाम है, देखो गार हिरा है ना, गार का नाम है भाई, हमारे यहाँ तो नहीं रखते। चलो स्ट्रीट का तो नाम हमारे यहाँ भी रख देते हैं, जैसे वो इब्ने सीना स्ट्रीट कश्मीर रोड, नहीं नहीं वो हमारे यहाँ भी है, वो डिफेंस में जितने हैं ना जो सारे गली हैं उसका खियाबान करते हैं वो, कि खियाबान गली नंबर इतनी, हाँ। लेकिन तुम सही कह रहे हो, तो नहीं ये, लेकिन ये थोड़ी लेस कॉमन चीज़ है ना, ये तो हमारे यहाँ भी होता है। जैसे वो मिर्ज़ा गालिब जिस गली में रहते थे इंडिया में, तो वो उसका नाम था बिल्ली मारा, उस गली को कहते थे, और उसका कासिम जान भी कहते थे, दो नाम थे उस गली के, दिल्ली की गली कासिम जान में रहते थे मिर्ज़ा गालिब। वेल, तो हसब नसब का बड़ा ख्याल रखते थे यार वो अरब, और बड़े मेहमान नवाज थे हमारे, मतलब वो अरब में कुत्ते का कोई काम नहीं होता, जो यानी सहरा के अंदर ना कुत्ते से आप क्या काम लोगे, कुत्ते का कोई काम नहीं होता। बर्फ़ वगैरह में थोड़ा होता है काम, बर्फ़ में लोग पालते भी हैं कुत्ते, रशिया वशिया में लोग कुत्ते बहुत पालते हैं, अमेरिका में भी जो ठंडी जगह है वहाँ पे कुत्ते पालते हैं लोग, लेकिन सहरा में ना गर्मी में 50 डिग्री में कुत्ते का कोई काम नहीं होता। वो कुत्ते पालते थे उस ज़माने में, क्यों पालते थे, कि कुत्ता रात को भूखता है, और कुत्ता रात को भूखेगा ना तो कोई दूर से कोई मुसाफिर गुजर रहा होगा तो वो कुत्ते की आवाज़ सुन के आ जाए, और हम उसको क्या कर लें, गुड़प करके अंदर घेर लें जल्दी, और छुपा लें जल्दी से उसको, और खिला पिला के ना उसको फिर सुबह रुखसत करें, समझ रहे हो। और आग भी जलाते थे अपने खेमे के बाहर या घर के बाहर, आग जलाते थे बोन फायर रात को, ताकि कोई दूर से जा रहा हो ना तो वो देख के आ जाए, मतलब मेहमान को घेरने का चक्कर था सारा, कि भाई किसी तरह मेहमान हमारे पास आ जाए, बाकियों के पास ना जाए। अच्छा, फिर दूसरे दिन उठ के फिर शेखियाँ भी करते थे, कि अरे वो रात को आया था बंदा, मैं ले गया उसको, तुम लोगों को मैंने पता भी नहीं लगने दिया, इस तरह के मामलात थे वहाँ पर। और मेहमान इतने मेहमान नवाज थे कि खुद नहीं खाएंगे, खुद भूखे रह जाएंगे, उसको खिला देंगे सारा, इस तरह के मेहमान नवाज वहाँ पे लोग मौजूद थे अरब में, आप सल्लम की पैदाइश से भी पहले और आप सल्लम की नबूवत आने से पहले, ठीक है। ज़ुबान के बड़े पक्के होते थे, वैसे तो हमें बताते हैं ना कि आप सल्लम सादिक और अमीन थे, कभी ज़िंदगी में आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन वहाँ पे और भी लोग ऐसे थे, और यानी अमूमी तौर पे ये चीज़ पाई जाती थी अरबों में आप सल्लम की नबूवत से पहले, ये चीज़ उनमें पाई जाती थी कि ज़ुबान के इतने पक्के होते थे ना, कि अगर किसी को कह दिया ना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ आ जाओ, तो वहीं खड़े रहते थे वो। अब अगर वो बंदा भूल गया, नहीं आया, तो खड़े हैं इधर ही, इतने पक्के होते थे ज़ुबान के। और किसी को अगर ज़ुबान दे दी ना, तो उस पर फिर गर्दनें कट जाती थी,
कि भाई यार मैंने ये बोला है तो मैं तो करूँगा, ठीक है, इस तरह के मामलात थे। तो ज़ुबान के बड़े पक्के थे, फिर हर चीज़ का सिस्टम बनाया हुआ था, सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ चलती थी। ये नहीं कि कोई किसी भी टाइम कुछ भी कर ले। मिसाल के तौर पे जैसे घोड़ा, जब कहते हैं ना कि घोड़ा पानी पीने पिलाने पे झगड़ा है ना, किसी का घोड़ा पहले पानी पी ले तो उस पर जंगें हो जाती थी। वो असल में बात तो वो यही थी कि वो करते थे वही हरकतें कि भाई घोड़ा किसी का पहले। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था कि घोड़ा किसका घोड़ा पहले पानी पिएगा, उसके बाद किसका पिएगा, उसके बाद किसका पिएगा ना, उसने सिस्टम बनाया हुआ था उन लोगों ने कि जी वो मेरा घोड़ा ही मतलब इतने नंबर पर पानी पिएगा तो पिएगा, अगर वो पहले या आगे पीछे किसी ने कर दिया तो वहाँ लड़ाई वहाँ मसला फिर सही है। तो बड़े सिस्टमैटिक थे, हर चीज़ का सिस्टम बना हुआ था कि जी खाने पीने का और आने जाने का और इन चीज़ों का हर चीज़ का सिस्टम बना के रखा हुआ था उन्होंने। तो बहरहाल इस तरह की बहुत सारी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर। नहीं वो तो चलो खेतों वेतों में होता है हमारे यहाँ अभी कि नंबर होता है पानी का कि जी मेरे खेत में पानी चल रहा है तो जी 6 घंटे चलेगा, उसके बाद आपके 6 घंटे चलेगा, फिर वो पूरे हफ्ते का पूरा साइकिल होता है। वो मैं समझ गया हमारे यहाँ भी है वो, लेकिन घोड़ा पानी पी रहा है ये तो ये बंदा नहीं है, घोड़े को कितना टाइम लगता है पानी पीने में। लेकिन उनके यहाँ भाई सिस्टम था, और वो फिर मतलब दिमाग भी उनका बड़ा कड़क था, यानी वो बंदे बड़े ना मतलब जांबाज किस्म के बंदे थे, ये नहीं ढीले ढाले नहीं थे हमारी तरह, ठीक है। अगर किसी से कोई बात हो गई तो फिर तलवारें रख के घूमते थे वो, तलवार तलवार लगा के घूमते थे वो, ऐसे बंदे थे भाई, थोड़े मतलब कड़क बंदे थे। ये नहीं कि मतलब कुछ बोल दिया किसी ने तो बस बर्दाश्त कर लिया और ऐसे, ये नहीं थे वो बंदे, नहीं यानी हाथ के हाथ फैसला करने वाले बंदे थे वो। ये भी एक क्वालिटी होती है अगर देखा जाए तो, कि भाई हर बंदे में ये डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती कि यार हाथ के हाथ ज़रा वो फिर निमटा भी दे बंदे को। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा हदीसों में कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बंदा आया, उसने ऐसे बोला तो हज़रत उमर ने तलवार खींच ली, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया, इस तरह की बातें सुनते हैं ना। तो ज़रा वो हाथ के हाथ फैसला करने वाले बंदे भी थे, जंगजू लोग थे मतलब वो ना। अच्छा, और इनसे डरते भी थे सारे अरब में, जो कुरैश था ख़ास तौर पर कबीला और ये जो सारे थे इनसे डरते थे ये लोग बाकी के जो सारे कबीले थे। और फिर ये काबे की भी बड़ी हुरमत थी भाई इनके अंदर, आप सल्लम की नबूत से पहले भी ना काबे की बड़ी हुरमत थी इनकी, और ना सिर्फ इनको थी बल्कि आसपास के और अरबों को भी थी। वो डरते थे इनसे कि एक तो ये हैं जांबाज और दूसरा ये काबा इनके पास था, तो उनको लगता था कि जब काबे के मुहाफ़िज़ हैं ना ये लोग तो इनको इनके ऊपर हाथ है, इनको कोई भी जंग में इनसे जीत नहीं सकता, तो लिहाजा इनसे कोई जंग भी नहीं करता था, इनसे लोग डरते थे। ये कहीं भी जाते थे तिजारत करने, इधर उधर जाते थे तो ज़रा इनको रिस्पेक्ट भी मिलती थी काबे की बदौलत, ठीक है। फिर वो हज वगैरह का भी इनका एक अपना इंतज़ाम था नबूवत से पहले, तो वो यही वजह है कुरान में भी अल्लाह ताला ने लिखा है कि भाई हज के महीने सबको पता है हज, क्योंकि ये पहले भी कुछ था इनकी सेटअप, हज का कुछ ना कुछ था तरतीब इनकी ना। तो बहरहाल वो इस्लाम ने फिर मज़ीद डिटेल बता दी कि ये हराम बंधेगा और वो ऐसे ऐसे होगा सारा। वेल तो भाई बड़े जो है ना ये क्वालिटीज़ थी इनकी। हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोग ना सिर्फ जिक्र करते हैं कि यार जाहिल थे और जो ना वो मरने लड़ने वाले बंदे थे, लेकिन एक्चुअल में कुछ उस वक्त की सुपर पावर्स जो थी ना, रोम जो थे, रोमन एम्पायर जो पूरी थी उस वक्त, ठीक है, और एक पर्शियन। अच्छा, ये रोमन और पर्शियन आपस में लड़ते ही रहते थे हर वक्त। इनके जितनी भी मूवीज़ आप देखोगे ना जो रोमन इरा की, तो उसमें वो यही दिखाएंगे कि और पर्शियन मतलब उन्होंने अपनी तारीफ़ की हुई, इन्होंने अपनी तारीफ़ की हुई है। तो ये दोनों आपस में लड़ते रहते थे, इनकी बहुत जंगें हुई हैं, इस पर मूवीज़ सारी बनी हैं, कोई ट्रॉय करके वो मूवी है और 300 करके और पता नहीं और कौन कौन सी है ना, स्पार्टन्स दिखाते हैं उसमें, वो सारे ये इनके लड़ने भिड़ने के किस्से हैं। अब इनके पास जंगजू भी थे, सब थे इनके पास, लेकिन ये वाली क्वालिटीज़ नहीं थी इनके पास कि ज़ुबान दे दी तो बस ज़ुबान हो गई, ज़रा वो दूसरे वाले मामलात में थे, ठीक है। तो वेल वापस आ जाते हैं हम इसके ऊपर, यार क्या बात कर रहे थे हम, हाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमने लेना अलग अलग। दूर निकल गई थी बात ज़रा। ठीक है भाई, चलो भाई आ जाओ। सही है जी, ये मैंने लिख दिया।
ठीक है जी, सेल्फ डॉक्यूमेंटेड बना दिया, उसको मैंने पैरामीटर्स लिख दिए कि भाई इस तरह करके मुझे पैरामीटर दे दो। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने इससे नहीं ली हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड लिया, दैट्स इट। अच्छा, मेरे पास पासवर्ड यहाँ पे एक ही फील्ड है, लेकिन यूआई के ऊपर ये फील्ड दो होगी साइनअप के ऊपर, ठीक है। कन्फर्म पासवर्ड वो सिर्फ यूआई की हद तक ही होता है, सर्वर पे एक ही दफ़ा भेजते हैं हम, एक ही दफ़ा भेजना इनफ होता है, ठीक है। वो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए होता है कि ज़रा बंदे से हम दो दफ़ा इनपुट ले लेते हैं कि जी दोनों मैच होता है तो सही है। अच्छा, क्यों लेते हैं हम वो, ज़रा डिज़ाइन उसका डिज़ाइन रीज़न है उसका। वो डिज़ाइन रीज़न ये है कि समटाइम बंदे का कीबोर्ड वीबोर्ड का ना कोई एक बटन मसला कर रहा होता है, कोई एक बटन कभी दबता है कभी नहीं दबता। तो अब मैंने तो अपने हिसाब से पाकिस्तान 123 पासवर्ड लिख दिया, लेकिन मेरा जो पाकिस्तान का पी था ना वो दबा ही नहीं। अब वो पासवर्ड सेट हो गया, अब वो मैंने सेंड भी कर दिया, वो सेव, अब मैं लॉगिन करूं तो वो लगे ना, समझ रहे हो। तो इस तरह के रीजंस की वजह से मैं उसको दो बार टाइप करता हूं कि अच्छा अगर पी का बटन कभी चलता है कभी नहीं चलता तो वो एक दफ़ा में चलेगा एक दफ़ा में नहीं चलेगा, तो वो ज़रा पकड़ में आ जाती है चीज़ें। फिर सम टाइम ये होता है कि एक चीज़ आप एक दफ़ा याद करते हो ना, जब आपने लिखा पाकिस्तान 123, वही चीज़ आप जब दोबारा टाइप करते हो ना तो ज़रा मेमोराइज़ हो जाता है आपको, आपको ना चीज़ ज़रा मेमोराइज़ हो जाती है, तो थोड़ा सा कुछ याददाश्त में भी आपके रहता है। फिर इस वजह से भी दो दफ़ा उसको टाइप करते हैं। पासवर्ड अभी हैश अभी करेंगे ना, अभी आने दो नीचे। अच्छा, तो सबसे पहला काम तो मेरा ये है, ये तो मैंने पोस्ट कर दिया ना डायरेक्ट, पोस्ट तो मैंने नहीं करना, पहले तो मैंने करना है इसको गेट, कि इस ईमेल से आया है कि पहले ही कोई यूज़र तो नहीं है मौजूद। तो गेट वाले को आप ज़रा कॉपी करते हैं यहाँ से आगे, कहाँ पे था वो, पोस्ट वाले राउट में था ना, यहाँ पे गेट वाला किधर है, गेट वन ये है ना मेरे पास, गेट वन। अच्छा, पोस्ट आईडी ये रहा, ट्राई, सही है, ऑथ में गया मैं, और ऑथ में जाके अब मैं क्या करूँगा, इसको गेट करूँगा मैं। कैसे गेट करूँगा, अच्छा कलेक्शन कौन सी है ये, मैंने तो ऊपर यहाँ पे कलेक्शन वो वाली बनाई हुई है ना, मैंने तो यहाँ पे ये वाली कलेक्शन बनाई हुई है ना, ये क्लाइंट को पूरे को मुझे वहाँ भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। DB से क्लाइंट को इम्पोर्ट कर लिया मैंने, और ये मैंने ऐसे करके बना लिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने पहले अलग अलग बनाया था DB और कलेक्शन को, ज़रूरी नहीं है अलग अलग बनाना, इसी के आगे डॉट ये लगा दूंगा ना मैं, डॉट कलेक्शन, तो एक ही बात है, सही है। यूज़र्स कलेक्शन मैंने इसको कर दिया, और इसका नाम मैं रखूँगा यूज़र्स, सही है। एक ही लाइन में मैंने लिख दिया कि क्लाइंट डॉट डेटाबेस, अभी भेज देता हूँ, डॉट कलेक्शन यूज़र्स, ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैंने कहा यूज़र कलेक्शन डॉट फाइंड वन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल, और ईमेल कौन सा वाला भला, जो अभी अभी मुझे मिला है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, ये मुझे फाइंड वन मुझे कर्सर नहीं देता है, मुझे क्या देता है, मुझे ऑब्जेक्ट देता है, सिंगल ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है। तो आया कि यहाँ पे या तो ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे, देखो हाथ रख रहा हूँ ना यहाँ पे, बता रहा है मुझे कि या तो मुझे डॉक्यूमेंट मिलेगा यानी कि ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का, या तो मुझे नल मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा इफ, ठीक है। ये मैंने जो लिखा था ना यहाँ पे एम्प्टी एरे, ये एम्प्टी एरे फाइंड में था, फाइंड वन में मुझे एम्प्टी एरे नहीं मिलता, सही है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि इफ रिजल्ट, ठीक है, इक्वल्स या तो नल ऐसे, ठीक है, लेकिन नल फॉल्सी वैल्यू होती है तो मुझे नल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नॉट रिजल्ट ऐसे कह दूंगा, ठीक है। नॉट रिजल्ट में फॉल्सी वैल्यू कोई सी भी मिले, तो मैंने कहा नॉट रिजल्ट का मतलब है कि भाई क्या है, यूज़र नॉट फाउंड है, सही है। और नॉट रिजल्ट का मतलब है कि यूज़र नॉट फाउंड है, तो मुझे आगे प्रोसीड करना है। एल्स अगर तो यूज़र फाउंड हो गया, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है इस केस में, तो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट के केस में मैं क्या करूँगा, पहले तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस यहाँ से मैं करा दूँ कि जी 400 या 403, ठीक है, 403 मतलब फॉरबिडन, कि ये मैंने मना किया भाई ये काम करने, और डॉट सेंड मैंने यहाँ पे बोला कि भाई यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल, ठीक है। इसमें भी मुझे आइडियली मुझे जेसन भेजना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, प्लेन स्ट्रिंग भेजने से गुरेज करना चाहिए। प्लेन स्ट्रिंग इसलिए नहीं भेजते हम कि अगर कल को एक और भी वैल्यू भिजवानी है तो मैं क्या करूँगा। जेसन में तो ये है कि यार मैंने मैसेज करके एक
बात यहाँ से भिजवाया ना, मैसेज इक्वल्स टू दिस। अभी कल को कोई और मुझे चीज़ भेजनी है तो मैं क्या करूँगा, इसी के नीचे एक की ऐसे और लगा दूंगा मैं, और इसमें ए बी सी कोई दूसरी वैल्यू डाल के मैं भेज दूंगा। तो मैं मल्टीपल वैल्यू बाद में भी भेज सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी डेवलपमेंट के दौरान मैंने फ्रंट एंड पे अभी पब्लिश नहीं की, वंस एपीआई पब्लिश हो जाती फिर तो कोई चेंज नहीं करते हम, लेकिन पब्लिश होने से पहले पहले अब मैंने सब जगह क्या किया हुआ है, प्लेन स्ट्रिंग मारा हुआ है, फ्रंट एंड भी बना दिया। बाद में मुझे ख्याल आया इसमें ये भी तो करना पड़ेगा मुझे, तो यूनिफॉर्म इंटरफेस जो था ना, जो REST API के प्रिंसिपल्स में पढ़ा था, तो उसमें बेहतर ये है कि मैं इस तरह ऑब्जेक्ट भेजूं और एक मैसेज की करके उसमें, या इस तरह की बना के भेजूं जो मैंने फ्रंट एंड पे मैसेज जिसको दिखाना है, ठीक है, और साथ में कोई और भी की उसके साथ मैं भेज पाऊं। ऐसा ना हो कि मैं फिर कोई और की उसके साथ भेज ही ना पाऊं, प्लेन स्ट्रिंग की वजह से ये होगा। अच्छा तो ये हो गया, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड तो यहाँ नहीं होगा ना, अभी तो इफ़ है या तो else है, तो एल्स में मैंने रिस्पॉन्स भिजवा दिया। अब इफ में मैंने आगे प्रोसीड करना है, आगे प्रोसीड करने में सीन क्या है मेरे पास कि मैं इसको इंसर्ट कर दूंगा पूरे को कलेक्शन को, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और नोट करो, यहाँ पे मेरे पास ना ये दो दो ट्राई कैच हो रहा है, एक ट्राई मेरे पास ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, अब मेरे पास एक ट्राई और बनने वाला है जो इंसर्शन करूँगा मैं पूरी, इस पूरे को मैं कट करूँगा यहाँ से, और मुझे इस जगह पे अब प्रोसीड फर्दर करना है ना, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब देखो यहाँ पे एक और ट्राई कैच आ गया। अब क्या ये दो ट्राई कैच मेरे लिए सही है? इसका जवाब हाँ भी और नहीं भी है। अगर तो मुझे इस ट्राई का एरर और इस ट्राई का एरर अलग अलग पकड़ना है अगर मुझे, तब तो मैं इसी तरह इसको लगाऊंगा। लेकिन अगर मुझे ये चाहिए कि अगर आया कि इसमें मसला आ जाए या इसमें मसला आ जाए, तो एक ही काम करना है, तो मैं इस ट्राई को हटा दूंगा और इस कैच को भी मैं हटा दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये अल्टीमेटली है किसी ना किसी ट्राई के अंदर है, एक बिगर ट्राई के अंदर है। तो अगर इस ट्राई के अंदर ना किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो सीधा इस कैच में आके गिरेगा, और इस कैच में मैंने बोला भाई सर्वर एरर प्लीज़ ट्राई अगेन। तो अगर मिसाल के तौर पे ये क्वेरी या ये क्वेरी इनमें से कोई एक भी फेल हो जाती है, तो मुझे कैच का काम एक ही करना है, दो अलग अलग काम नहीं करने का, ठीक है। इसी पॉइंट पे आके आपको ट्राई कैच ना आपका कोड ज़रा बचा देता है, ठीक है। देन कैच के अंदर ये मसला ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हल होता है। तो देन कैच में क्या होता है कि सबके साथ कैच लगाना ही पड़ता है आपको, ट्राई कैच में ज़रा ये बच जाता है मसला। अच्छा होता उसमें भी है, लेकिन ज़रा वो टेढ़े तरीके से होता है। ये ज़रा सिंपलर अप्रोच है और ज़रा जनरल अप्रोच है ये, ठीक है। तमाम दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्राई कैच इसी तरह चलता है, तो जावास्क्रिप्ट भी अब ज़रा जनरल अप्रोच पे आ गई है। अच्छा मैंने कहा कि यार कलेक्शन कौन सी है मेरी, यूज़र कलेक्शन। यूज़र कलेक्शन के अंदर आके मैं क्या बोलता हूँ, अंडरस्कोर आईडी तो वो खुद से ही देगा। अच्छा क्रिएटेड ऑन मुझे चाहिए ऑब्वियसली, बाकी क्या चीज़ करनी है मुझे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है ना ये पूरा मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे रखवा देता हूँ। कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, ये ऐसे मैंने पूरा यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यूज़र कलेक्शन के अंदर डॉट इंसर्ट वन करके, और ये पूरा का पूरा मैंने आइटम रखवा दिया, क्रिएटेड ऑन भी मैंने इसमें रख दिया, और कॉन्सोल डॉट लॉग पर फिर मैंने इसका रिस्पॉन्स ले लिया। उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या भेजना है यहाँ से कि जी आपका यूज़र जो है ना साइन अप सक्सेसफुल, स्कीमा कहाँ है, कौन सा स्कीमा, मोंगो डीबी स्कीमा लेस होता है, स्कीमा लगता ही नहीं है इसमें। हाँ मोंगोस वो लाइब्रेरी लेवल पे आपको स्कीमा देता है, वैलिडेशन के लिए होता है जस्ट वो, लेकिन आप वैलिडेशन के लिए अलग से भी लाइब्रेरीज हैं दूसरी। मिसाल के तौर पे आपने इस ईमेल को वैलिडेट करना है, क्योंकि देखो सर्वर पर तो हमें हर चीज़ करनी है ना। अब इस ईमेल को अगर वैलिडेट करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आके ना इधर इस इफ़ के बाद यहाँ पे आके मैं एक इफ़ का और चेक लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा इसको चेक करूँगा कि आया कि ये ईमेल है या नहीं है। कैसे चेक करूँगा मैं, रेगुलर एक्सप्रेशन नंबर एक, सही है। ठीक है मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं आते, तो लिहाजा मैंने इस पर ये कर दिया, ठीक है। ये भाई वैलिड ईमेल का जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। वैलिडेट ईमेल और ईमेल एड्रेस डालूंगा, ये मुझे चेक करके बता देगा ट्रू या फॉल्स, या इसकी कुछ कोई ना कोई लाइब्रेरी भी मौजूद होगी, सही है। कैन आई वैलिडेट ईमेल एड्रेस इन जावास्क्रिप्ट, तो बंदे ने बता दिया भाई ऐसे करके आप चेक कर लो,
ठीक है, ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, सब लोगों ने बोला भाई हाँ ये सही है, लोअर केस में कन्वर्ट। अच्छा एक चीज़ और अभी मुझे याद आई, इसको भी रखवाते हुए ना, ये जो ईमेल है इसको डॉट टू लोअर केस भी करता हूँ मैं, सही है, ईमेल को हमेशा लोअर केस में कन्वर्ट करके फिर रखवाता हूँ मैं, ठीक है। मैं नहीं, इसको यहाँ पे चेक भी करते हुए हमेशा मैं डॉट टू लोअर केस करूँगा, क्वेरी करते हुए भी लोअर केस और रखवाते हुए भी लोअर केस, ताकि वो कुछ भी लिखा उसने वो लोअर केस में कन्वर्ट होके करे वो, ठीक है। तो दोनों केस में मैं क्या करूँगा, या मैं ये भी कर सकता हूँ कि शुरू में ही इसको क्या करूँ, मैं यहाँ पे शुरू में ही क्या करूँ, इसको मैं ईमेल एड्रेस इक्वल्स टू ये बोलूँ डॉट टू लोअर केस, ऐसे यहाँ पे कर दूँ एक दफ़ा, और फिर नीचे कहीं और मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों से मैं हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। बॉडी को, बॉडी मॉडिफाइएबल होती है ना, बॉडी के अंदर कोई भी वेरिएबल है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बॉडी में चीज़ आई है वो फिक्स है। ये मैंने ऊपर क्या किया, ईमेल का ही जो वेरिएबल था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, उसी को ही मॉडिफाई करके उसमें लोअर केस वाला वर्जन उठा के डाल दिया मैंने, ठीक है। नलिश ऑपरेटर यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है नलिश ऑपरेटर की, क्योंकि ऊपर वैलिडेट हो चुका है, सही है। यहाँ पे नलिश ऑपरेटर लगा दूंगा ऑन अदर एंड, तो शायद बेहतर रहेगा मेरे लिए। नलिश ऑपरेटर पता है ना, अगर डॉट करके कोई चीज़ ना मिले तो कोड ब्रेक नहीं होता उससे, ठीक है। वो ये नहीं बोलेगा कि कैन नॉट गेट फर्स्ट नेम ऑफ अनडिफाइन, इस तरह नहीं बोलेगा, वो बोलेगा बस अनडिफाइन, ब्रेक नहीं करेगा, एरर थ्रो नहीं करेगा, रोक लेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इफ़ लगा के क्या कर सकता हूँ, ईमेल को वैलिडेट करूँगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई लाइब्रेरी में उसके लिए देखूँगा, कोई ना कोई एक्सप्रेस वैलिडेशन लाइब्रेरी लिखता हूँ ज़रा, ये आ गया ना एक्सप्रेस वैलिडेटर, गेटिंग स्टार्टेड, ये देखो, देख रहे हो इसने वैलिडेशन यहाँ पे ऐड किया वैलिडेटर, और चेक कर रहा है कि रिजल्ट डॉट इज एम्प्टी अगर है तो ये कर दो, इस तरह इसमें छोटी मोटी वैलिडेशन की ना लाइब्रेरीज बनी हुई है। देखो सैनिटाइज इनपुट, सैनिटाइज इनपुट क्या होता है कि अगर आगे या पीछे कोई ऐसी चीज़ लगा के भेजिए ना बंदे ने जो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह, उसको वो हटा देता है, ठीक है। तो सैनिटाइज करने के लिए भी देखो ये लाइब्रेरी बनी हुई है, और ये क्या बना हुआ है, एक्सेसिंग वैलिडेटेड डेटा, नहीं इसमें वो सारी वैलिडेशन की लिस्ट होनी चाहिए ना मेरे पास, स्कीमा वैलिडेशन, ये लो, ठीक है। लेंथ भी चेक करके बताएगा आपको, ये यूज़र नेम है, इज ईमेल ट्रू है या नहीं है, ये पूरा स्कीमा आप बना दोगे एक दफ़ा, और वो जैसे ही उस पर आप चेक लगाओगे डॉट करके, और ये आपको बता देगा कि क्या सीन है उसका। तो इस तरह की लाइब्रेरीज बहुत सारी मौजूद है ना, तो इनमें से कोई एक लाइब्रेरी यूज़ करके आपने इसको वैलिडेट कर लेना है कि इफ़ इट इज़ करेक्ट ईमेल और नॉट। अपना रिजेक्ट्स लिख लोगे तो वो भी सही है, जैसे वो W3 स्कूल में लिखा हुआ था लंबा सा पूरा। अच्छा लाइब्रेरी यूज़ करते हुए आपने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है जिसके स्टार्स वगैरह ज़रा ज़्यादा हों, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी के 6 स्टार हैं और आपने वो लगा लिया उठा के, ठीक है। जैसे रिएक्ट के पता नहीं 60,000 स्टार्स हैं, तो इतने ज़्यादा भी तो शायद नहीं मिलेंगे आपको, छोटी मोटी लाइब्रेरीज़ में 4,000-5,000 स्टार होते हैं तो गुड इनफ है वो, ठीक है। आप देखेंगे कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों कॉन्ट्रीब्यूट लास्ट कब हुआ है, आखिरी कमिट कब हुई है, अगर आखिरी कमिट उसकी 6 साल पहले की थी फिर आप नहीं इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप प्रेफर करेंगे कि जो ज़रा मेंटेन कर रहे हैं लोग उसको, वो वाली आप इस्तेमाल करें। तो आप इसको ईमेल को यहाँ पे वैलिडेट आप कर लेंगे, ठीक है, कि ईमेल वैलिड है या नहीं है। फ्रंट एंड से वैलिडेट हो गया, लेकिन वो सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये सिक्योरिटी के लिए। अच्छा जी, मैंने बोला भाई फाइंड करो इसको ईमेल से, अगर कोई बंदा नहीं मिलता है तो इसको इंसर्ट करा दो, ठीक है। और इंसर्ट कराने के बाद बोलो भाई साइन अप सक्सेसफुल, ठीक है। अच्छा अभी मैंने पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने क्या करना है, इस पासवर्ड को मैंने हैश में कन्वर्ट करना है। बता दिया कि इसको मैंने क्या करना है, हैश में कन्वर्ट करना है। अच्छा लेकिन फ़िलहाल मैं भी क्या कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और ये मेरा साइनअप का क्या हो गया, API कंप्लीट हो गई है मेरी, ठीक है। साइनअप में मैंने क्या क्या कर लिया, वैलिडेशन कर लिया, अच्छा है 4 की मौजूद है या नहीं है, उसके बाद मैंने ईमेल को लोअर केस में कर लिया है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो ईमेल को क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक और टू डू लगा देता हूँ मैं, वैलिडेट ईमेल भी यहाँ पे आप कर सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। हाँ मैं ज़रा नेक्स्ट क्लास में जो है ना कोई वैलिडेशन की कोई लाइब्रेरी देख लूँगा अच्छी सी तलाश करके, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ पे लगा देंगे।
ठीक है, मैंने चेक किया भाई इस ईमेल से कोई यूज़र तो नहीं है, और अगर यूज़र कोई नहीं मिलता है तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है जी आप साइन अप कर दो। साइन अप करा दिया मैंने, क्रिएटेड ऑन पे ना न्यू डेट भी रखवा दी कि जी इस डेट को या इस टाइम पे ये साइन अप हुआ, ठीक है, इसके ऊपर सर्वर का डेट यहाँ पे इस वक्त मुझे मिल रहा होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लॉगिन के ऊपर। ठीक है, लॉगिन के ऊपर मैं लगाऊंगा फाइंड वन। फाइंड वन को इधर ही से कॉपी कर लेते हैं, ऑब्वियसली हम यही वाला फाइंड वन है ना ट्राई मेरा, और इसके साथ कैच मेरा। ठीक है, अब देखो ट्राई पे मैंने लिखा, अच्छा इसको एसिंक बना दूं मैं, एरर दे रहा है ये। अच्छा ट्राई पे मैंने लिखा कि भाई यूज़र कलेक्शन डॉट फाइंड वन, और क्या करो आप ईमेल से यूज़र फाइंड करके लाओ। अच्छा वैलिडेशन भी इसमें लगेगी ना, वैलिडेशन तो उन्होंने नहीं लगाई, यही वाली वैलिडेशन लगेगी एक्चुअली। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक्चुअली नेम और ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम में हटा दूंगा, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और रिक्वेस्ट डॉट ईमेल दो इसमें पैरामीटर होंगे मेरे पास, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में हटा दूंगा इसमें से। ठीक है, रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, अगर इसमें से कोई एक भी दोनों में से मिस किया इसने तो रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग बोल के यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये इसकी वैलिडेशन हो गई मेरी लॉगिन की, और उसके बाद ट्राई किया मैंने, मैंने बोला यूज़र डॉट कलेक्शन डॉट फाइंड वन और ईमेल। अच्छा ईमेल अगेन मैं क्या करूँगा इसको लोअर केस में कन्वर्ट करूँगा, तो मैंने कहा कि यार डॉट टू लोअर केस और ऐसे कन्वर्ट करके फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, ताकि यहाँ पे जहाँ पे भी ये सर्च मारे तो लोअर केस करके ही मारे। क्यों? कि डेटाबेस में भी क्या होता है, लोअर केस और अपर केस अलग अलग होता है। कोई अगर अपर केस से अली लिखा हुआ है और लोअर केस से अली लिखा हुआ है तो ये दो अलग अलग हैं। मैं लोअर केस से सर्च मारूंगा वो नहीं आएगा, उसके लिए या तो मुझे कोई ऑपरेटर लगाना पड़ेगा कि भाई ये ऑपरेटर है कि लोअर आपने ये देखना नहीं है, इस तरह की कोई बात मैं करूँ, या तो बेहतर ये है कि मैं उसको लोअर केस कर दूँ, हाथ से ही कर दूँ तो बेहतर है। अच्छा मैंने रिजल्ट मंगवाया और मैंने कहा कि भाई यूज़र नॉट फाउंड अगर है ना, अब की बार मैं क्या करूँगा यूज़र नॉट फाउंड पे बोलूँगा कि भाई नॉट फाउंड, अब तो लॉगिन है, अब मैं यूज़र होना चाहिए डेटाबेस में, तो मैं ये वाला जो रिस्पांस था ना ये मैं इधर लगा दूँगा, और इसमें मैं क्या बोलूँगा 401। ठीक है, और मैं क्या बोल दूँगा यहाँ पर, मे बी यूज़र नॉट फाउंड बोल दूँगा इसको मैं यहाँ पर। ठीक है, 401 अनऑथेंटिकेटेड, क्योंकि ये देखो लॉगिन की एपीआई है ना, इसका जो जवाब जाना था उसके बाद ऑथेंटिकेटेड हो जाना था ना, लेकिन नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने 401 लगा दिया यहाँ। ठीक है, तो या 401 भी लगा सकता हूँ या 403 भी यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, देख लेना इसको ज़रा गूगल पे कि लोग इस पे क्या लगा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो अच्छा वैसे स्टेटस कोड का आमतौर पर लोग ख्याल नहीं रखते, एज अ फ्रीलांसर जो हम ज़्यादातर कोड लिखते हैं ना उसमें इन चीज़ों का हम ख्याल नहीं रखते, क्यों कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों हम खुद ही बना रहे होते हैं, तो हमने क्या लिखा है वो हमें एक्चुअल में पता होता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ से, मैं तो ये करता हूँ कि ये मैसेज में मैं ऐसा मैसेज लिखता हूँ ना जो मैं डायरेक्ट फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करवा सकूँ। ठीक है, तो ज़रा काम आसान रहता है, लेकिन ये है कि आप ज़रा देख लीजिएगा इंटरनेट पर कि लोग कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, कि जी लॉगिन की एपीआई पे अगर पासवर्ड अगर गलत हो गया, या बल्कि HTTP स्टेटस कोड में हम ज़रा जाके देख लेते हैं ना, HTTP स्टेटस कोड आया कि उसमें क्या गलत पासवर्ड के लिए कोई है पहले से बना हुआ, कंट्रोल एस पासवर्ड, नहीं पासवर्ड के लिए तो नहीं है यहाँ पे, इनकरेक्ट के लिए कोई है, इनकरेक्ट के लिए भी नहीं है, अनऑथराइज के लिए यहाँ पे ना ये है। ठीक है, सही है अनऑथराइज, यार पासवर्ड गलत डाला है हमने, मना कर दिया भाई अनऑथराइज, तो ये मेरे ख्याल है 401 ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अच्छा 403 मिसाल के तौर पे आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो 403 के अंदर चले जाएंगे आप, यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे कि 40 कब और कब कैसे लगता है। ठीक है, फिर आप 401 के अंदर चले जाएंगे ऐसे, यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे आपके 401 कब लगता है। ठीक है, अलग से भी आप पढ़ेंगे कि जी 401 कहाँ लगाते हैं, तो वो आपको अल्टीमेटली आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है 401 या 403। बहरहाल यहाँ पे 400 वाला ही कोई ना कोई कोड लगेगा, क्योंकि 400 का मतलब होता है यूज़र की साइड से गलती है, पासवर्ड उसने गलत लिखा है उसी की गलती है भाई, सही है, ईमेल गलत लिखा है बल्कि, पासवर्ड नहीं ईमेल उसने गलत लिखा है। अच्छा अगर यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट यहाँ पे है, ठीक है, यूज़र फाउंड यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा प्रोसीड फर्दर करूँगा। ठीक है,
और प्रोसीड फर्दर में मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है कि इस जो भी यूज़र मुझे मिला है उसका डॉट पासवर्ड जो होगा ना वो मैं मैच कराऊंगा किससे, हमारे वाले जो अभी यूज़र ने पासवर्ड दिया उससे। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक अदद और इफ़, और इस इफ़ में मैं क्या बोलूँगा कि भाई रिजल्ट डॉट पासवर्ड अगर इक्वल्स इक्वल्स है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड के, तो क्या करो आप बोलो कि यार ये तो बेस्ट हो गया, बेहतरीन हो गया, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल, ये मैंने रिस्पॉन्स भेज दिया। अच्छा अभी नोट करो, अभी मैंने टोकन ना जनरेट करवाया ना टोकन भेजा है, अभी मैं सिर्फ मैंने बोला है कि यार साइन अप सक्सेसफुल, इसमें मैं मज़ीद अभी मॉडिफिकेशन करूँगा। अच्छा एल्स, क्योंकि अगर ये मैच नहीं होता है तो एल्स में मैं क्या बोलूँगा कि भाई पासवर्ड इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है। डॉट स्टेटस 401 डॉट सेंड लॉगिन फील्ड। अच्छा इसमें भी ना क्या होता है कि जी तीन चार तरह की सिचुएशन होती है कि पासवर्ड इनकरेक्ट है या क्या चक्कर है, तो मैं अक्सर ना लॉगिन फील्ड ही बताऊंगा इसमें, मैं इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा फ्रंट एंड में, क्योंकि देखो अनऑथराइज एपीआई है ना ये, मतलब अनप्रोटेक्टेड एपीआई है, बगैर लॉगिन हुए बंदा इन एपीआईज को कॉल कर रहा है, तो एक तो मैं ये भी एक चीज़ है कि मैं उसको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा कि अंदर क्या हुआ है, किस वजह से नहीं हो पाया लॉगिन, बस मैं उसको बोलूंगा भाई लॉगिन फील्ड, ठीक है। तो बस अब वो जो भी समझ ले, या मैं उसको ये बोलूँगा कि ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है, दोनों में एक यूनिवर्सल बना लेता हूँ। मैंने कहा कि भाई ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट, यहाँ पे भी मैंने यही बात बोल दी और यहाँ पे भी मैंने यही बात बोल दी। मैं उसको एग्जैक्टली नहीं बता रहा कि यार इस दफ़ा इस बारी में क्या इनकरेक्ट हुआ है, तुम्हारा ईमेल इनकरेक्ट हुआ है या पासवर्ड इनकरेक्ट हुआ है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, कि उसको अगर पता लग गया ना कि अच्छा यार पासवर्ड गलत है तो इसका मतलब है ईमेल है, इस ईमेल से कोई यूज़र मौजूद है, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा यूज़र को वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए। स्टिल ये मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी वाला बंदा बताएगा, यानी जो भी ऐप बन रही है जो भी कंपनी है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर कोई ना कोई सिक्योरिटी का बंदा मौजूद होगा, नेटवर्क सिक्योरिटी का, ठीक है, साइबर वाला डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो मुझे ये परमिशन देगा कि अच्छा यार आप अनऑथराइज एपीआई पे आप क्या क्या बता सकते हो क्या क्या नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन आम प्रैक्टिस जो है ना, कॉमन प्रैक्टिस यही आपने रखनी है कि आपने जो कम से कम डिटेल बतानी है, ख़ासतौर पर लॉग इन वॉगिन टाइप की जगह पर ना, या कि क्या सर्वर पर गलत हुआ, ये ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं बतानी है आपने यूज़र को, ठीक है जी। अच्छा तो यहाँ पर जो मेरी एपीआई थी ना लॉग इन की, ये क्या हो गई है, मोटी मोटी बात मेरी कंप्लीट हो गई है। अच्छा कि जी या तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और या तो मेरे पास जो है ना ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट हो गया, दो फेलियर आए मेरे पास, एक यहाँ पे फेलियर आया है और एक यहाँ पे फेलियर आया है। चलो हर मतलब हर रिस्पॉन्स डॉट सेंड के बाद मैं रिटर्न भी लगा देता हूँ एहतियातन, वैसे तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि इफ़ अगर चल गया तो एल्स नहीं चलता, लेकिन एहतियातन मैं जितने भी रिस्पॉन्स डॉट सेंड किए ना उसके आगे मैं साथ में रिटर्न लगा देता हूँ, फॉर द सेक ऑफ कि अगर कल को मैंने कोई और मॉडिफिकेशन की ना तो इस रिस्पॉन्स के बाद रिटर्न रहे, ठीक है, इस वजह से मैं लगा देता हूँ और यहाँ पे भी मैं रिटर्न लगा देता हूँ। अच्छा जी अब हमने आगे क्या करना है, यहाँ पे इतना पार्ट तो सही है मेरा यूज़र नॉट फाउंड तक का, अब इस पार्ट वाले में मुझे ये करना है यहाँ पे कि लॉगिन सक्सेसफुल से पहले मैंने टू डू लगाना है कि जी क्रिएट टोकन फॉर दिस यूज़र, सही है, मैंने टोकन क्रिएट करना है और वो साथ में भेजना है, तो ये भी मैंने टू डू लगा लिया। अच्छा दूसरा ये कि जो पासवर्ड इस तरह से मैच हुआ है ना, इस तरह से मैं मैच इसको नहीं करूँगा एक्चुअली, क्यों कि मेरा पासवर्ड कभी भी प्लेन स्ट्रिंग में होगा नहीं, ठीक है, मेरा पासवर्ड हमेशा क्या होगा हैश की फॉर्म में होगा। लेकिन हम पहले इतनी एपीआई जो हमने बना ली है ना इसको ज़रा पहले टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन से, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे वापस आते हैं और हमने ये सारे टू डू जो लगाए हुए हैं, यानी कि सबसे पहला हमने टू डू लगाया हुआ है यहाँ पे उसको साइनअप में हैश क्रिएट करने का, ठीक है, ये तो हम कर ही लेते हैं फ़ौरन।
और उसके बाद इसको पासवर्ड को जो कॉम्पेयर करते हैं, ज़ाहिर है जब हैश होगा तो कॉम्पेयर करने का तरीका चेंज हो जाएगा, हैश के मेथड से हम कॉम्पेयर करेंगे और फिर टोकन बनाने का फिर तरीका हम देख लेंगे कि टोकन बनेगा कैसे। तो आ जाएँ जी इसको ज़रा हम क्या कर देते हैं, चेक कर लेते हैं CD8 और NPM run dev। अच्छा जी ये था ना SMIT Badge 9, इसमें मेरी ये auth की APIs, अच्छा खाली पड़ा हुआ है ये, तो मैं काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ क्रिएट पोस्ट वाले को क्या करता हूँ, मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ और डुप्लीकेट बना के इधर ला के छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्रिएट पोस्ट वाले को। और मैं इधर हिट करता हूँ अब इसको, यहाँ पे ला के बोलता हूँ मैं कि जी ये क्या होगा, साइनअप की API है मेरी, और साइनअप की API पे मैंने कहा यार API/V1/signup, और बॉडी के अंदर जाके मैंने क्या बताना है इसको कि जी फर्स्ट नेम मोहम्मद इंजमाम कॉमा लास्ट नेम मलिक और ईमेल, मैंने कहा कि जी abc@abc.com और पासवर्ड ABC123, ठीक है, ये मैंने पासवर्ड रख दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ और देखता हूँ कि ये साइन अप सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। रिक्वायर्ड पैरामीटर मिसिंग, ये क्या रिक्वायर्ड पैरामीटर था जो मिसिंग हो गया, फर्स्ट नेम, अच्छा लास्ट नेम का L मैंने कैपिटल कर दिया गलती से यहाँ पे, ठीक है, L स्मॉल रहेगा इसका, कैमल केस है ना तो पहला कैरेक्टर कैपिटल नहीं होगा इसका। अच्छा ये ऊपर में भी एरर आ गया होगा फिर, क्योंकि मैंने कॉपी पे, अच्छा नहीं ऊपर तो है ही नहीं ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है ये गलती से यहाँ पे कैपिटल हो गया था, तो ये यहाँ पे भी मैं इसको ज़रा, क्योंकि सेल्फ डॉक्यूमेंट है ना तो सब जगह एक ही कॉपी पेस्ट मारा है मैंने, तो सब जगह पे वो गलत हुआ हुआ था, ठीक है। और भी मैं देख लेता हूँ इस डॉक्यूमेंट में, टोटल 5 जगहों पर मैंने लास्ट नेम लिखा है, 5ों जगहों पर ज़रा उसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी देखो लास्ट नेम एल कैपिटल किया हुआ मैंने, ठीक है सेट हो गया ये बिल्कुल 5ों जगहों पे सेट हो गया, लास्ट नेम का मेरे पास एल कैपिटल नहीं होगा क्योंकि कैमल केस है ये। आ जाओ अभी दोबारा इसको हम हिट करते हैं ज़रा, ठीक है साइनअप सक्सेसफुल, साइनअप सक्सेसफुल होने के बाद अब मैंने क्या करना है, जाके डेटाबेस में देखना है ना इसको कि यार आया कि ये वाकई साइन अप हो गया कि नहीं हो गया, कैसे देखूं? सर आपने एक और वो बना दिया है, कलेक्शन एक और बन गया ना, ऑटोमेटिक बन जाता है इसमें, बनाना नहीं होता। जैसे मैंने ये बात लिखी है ना टॉप पे कि client.db.collection और उसका कलेक्शन का नाम, तो इस नाम से कलेक्शन खुद ही बन जाता है, बनाना नहीं होता इसमें, ठीक है। अच्छा अब मैं कैसे देखूं मेरे डेटाबेस में वाकई ये यूज़र क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, एक तो चलो यहाँ पर आ गया ना ये, लेकिन अब ये तो अभी वाले का आया है। अब अगर मैं 2-3 दिन बाद दोबारा इस ऐप को खोलता हूँ और मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि डेटाबेस में मेरे कितने यूज़र हैं या कुछ मैं देखना चाह रहा हूँ डेटाबेस में जाके, कैसे देखूँगा मैं? mongodb.com पे जाऊँगा, ठीक है, और वहाँ पे जाके कलेक्शन को ब्राउज़ करूँगा। mongodb कंपास, सही है, एक ऐप है जिसको, अच्छा इस तरह की ऐप को हम कहते हैं डेटाबेस क्लाइंट, ठीक है, मैं लिखूंगा MongoDB क्लाइंट। बहुत सारी ऐप्स ऐसी मौजूद हैं जो MongoDB क्लाइंट के तौर पर सर्व की जाती हैं, ठीक है, देखो ये 11 बेस्ट MongoDB GUI क्लाइंट लिख दिया इसने। Studio 3T है ये, मैं पहले यूज़ करता था लेकिन अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना हड़ौड़ी मचा दी है, इसका फ्री वर्जन इन्होंने बिल्कुल ही ऐसा कर दिया ना, ठुस कर दिया, ठीक है। और ये humongous.ai है, DB स्कीमा है, ये सारे मैंने यूज़ नहीं किए कभी। स्टूडियो Robo3T भी अच्छा है, ठीक है, और NoSQL मैनेजर करके एक है लेकिन ये विंडोज़ के लिए है सिर्फ, ये मैक पे नहीं चलेगा ना लिनक्स पे चलेगा। अच्छा सिर्फ Robo3T इसमें से फ्री है, बाकी सारे पेड हैं, ठीक है। अच्छा कॉम्पास के नाम से भी एक है, वो MongoDB ने खुद बनाया है, MongoDB वालों का अपना है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है,
ठीक है, सारे पेड थे ये वाले। अभी हम ज़रा फ्री भी लिख लेते हैं ना, फ्री में कौन कौन से क्लाइंट अवेलेबल हैं। ठीक है, मोंगो डीबी कंपास ही आ रहा है टॉप पे, फ्री एंड पेड इसने दोनों लिखा है आर्टिकल में। चल के देखते हैं ज़रा इसने फ्री और पेड क्या किया। ठीक है, मोंगो डीबी कंपास लिखा है पहले इसने, रोबो 3D भी दोनों फ्री है ये। ठीक है, पहले इसका नाम मोंगो शेफ हुआ करता था, उस ज़माने में भी अच्छा था ये, लेकिन अब ज़रा बेकार हो गया ये। बेकार क्या हुआ, पेड पैसे उसने सारे कर दिए ना, फ्री ट्रायल बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। नो सीक्वल बूस्टर जो है ये भी क्या है, फ्री है, पेड है, पता नहीं, ये नाम ही पहली दफ़ा सुना है। ह्यूमंगस तो पेड है, अभी दिखाया था उसने, ये भी पेड है। ठीक है, ड्रोना HQ इस तरह करके, चलो बस और कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा वेल, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे मोंगो डीबी कंपास डाउनलोड लिखूँगा मैं इधर, mongodb.com के ऊपर ही आ गया, mongodb कंपास GUI। ठीक है, पूछ रहा है कि यार कौन से वाले वर्जन, मैंने लेटेस्ट वर्जन ही सेलेक्ट किया है, एक ही आ रहा है वैसे लेटेस्ट, और मैक ओएस 64 bit सेलेक्ट कर लिया मैंने। मैक ओएस अगर ARM आ रहा होगा ना तो ज़्यादा बेहतर है, मैक ओएस पर ARM नहीं आ रहा है इसमें, ये रहा M1। ठीक है, मेरे पास M1 प्रोसेसर है, मैक में असल में दो मंजन आ गए, एक अभी 64 bit है वो, और एक M1 है जो नया वाला उन्होंने निकाला है ARM बेस। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, अच्छा मिसाल के तौर पे अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ भी देखें, इसमें 64 bit आ रहा है और XZ और MSI दोनों फॉर्मेट आ रहे हैं। लिनक्स के भी सारे इसमें तकरीबन आ रहे हैं, वो लिनक्स का टारबॉल भी आ रहा है, लिनक्स का जो है ना वो भी आ रहा है, डेबियन भी आ रहा है, DEB जो होता है यूबंटू पे जो चलता है, तो बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मेट अवेलेबल हैं। और यहाँ पे करके आप क्या करेंगे, डाउनलोड का बटन दबा देंगे। तो जी ये मेरे पास क्या हो गया, डाउनलोड होना शुरू हो गया, लेकिन मैं इसको कट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, डाउनलोड करेंगे, नेक्स्ट प्रेस करेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये दिखेगा ऐसा, MongoDB कंपास आप लिखेंगे ना तो ये कुछ इस तरह से ओपन होगा। अच्छा, यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आपने लिखना है यहाँ पे DBURI पूरा का पूरा, इसको मैंने कट किया जो पहले से लिखा हुआ था, और यहाँ पे आके मैं हमारा जो DBURI है ना, डेटाबेस URI हमारा कहाँ है, mongodb.mjs में ना, ये पूरा मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और लाके यहाँ पे न्यू वर्जन ऑफ अवेलेबल आस्क मी लेटर, सो ये न्यू वर्जन आया हुआ इसका, और ये पूरा मैंने पेस्ट किया यहाँ पे और कनेक्ट का बटन दबा दिया, ये कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, और मेरे पास क्या होगा, ये फ्रंट एंड पे क्योंकि पूरा का पूरा UI है और सब कुछ फ्रंट एंड पे है मेरे पास, तो ये ज़रा सा आसान रहता है। देखो यहाँ पे मेरे पास ना एक डेटाबेस ये बना हुआ है, एक ये मैं एक दूसरी क्लास में पढ़ा रहा था ecom, ये उसका बना हुआ है, तो हम इस क्लास वाला खोल लेते हैं। पोस्ट्स और यूज़र्स, ये दो कलेक्शन मेरे पास आ गए। ठीक है, ज़रा फास्ट भी है ये क्योंकि ब्राउज़र पे पूरा का पूरा पेज वो रीलोड होता है तो ज़रा टाइम भी लगा देता है वो। अच्छा, इसमें बहुत सारे टूल्स भी हैं, क्वेरी बिल्डर भी है, आपने अगर मतलब API पे लिखोगे ना, क्वेरी बनाओगे तो वो क्वेरी आप पहले यहाँ पे ऐसे लिखोगे। देखो जैसे मैंने MT ये ऑब्जेक्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है, सारे डॉक्यूमेंट ले आओ, फाइंड का बटन दबाऊंगा सारे ले आएगा। ठीक है, मैं बोलूँगा कि यार ऐसा लेकर आओ जिसमें टाइटल जो वो क्या हो, टाइटल इक्वल्स टू दिस हो। ठीक है, ऐसी मैंने इस तरह की कोई बात अगर कर दी तो इसको स्ट्रिंग में किया मैंने और मैं फाइंड का बटन दबाऊंगा तो देखो ये वाला आ गया। तो किसी की मुझे ID पता है, कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पे, क्वेरी लगा के मैं टेस्टिंग भी कर सकता हूँ इसकी कि जी आया कि जो क्वेरी मैंने लगाई है वो मेरे JavaScript में तो नहीं चल रही, क्या यहाँ चल रही है वो। तो क्वेरी यहाँ पे बनाएंगे भी आप, क्वेरी बिल्डर अभी ये मोर ऑप्शन है, देखो ये आ गया। प्रोजेक्शन सॉर्ट, हमने सॉर्टिंग की थी ना, अब सॉर्ट मैंने अगर करना है, मिसाल के तौर पर मैंने बोला भाई सॉर्ट करो इसको, इसमें क्रिएटेड ऑन तो नहीं था ना, क्रिएटेड ऑन इसमें नहीं रखा मैंने। ठीक है, किसी भी फील्ड से मैंने कहा अंडर स्कोर ID से सॉर्ट करो इसको और सॉर्ट -1 करो, तो इसका मतलब है जो टॉप पे आ रहा है ना यहाँ पे, ये नीचे चला जाएगा और जो नीचे आ रहा है वो टॉप पे आ जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, क्वेरी लगाऊंगा तो ये देखो वो रिवर्स हो गया सॉर्ट। तो यहाँ पे तमाम की तमाम क्वेरी लगा के आप इसको चेक भी कर सकते हैं, एग्रीगेशन यहाँ पे रन कर सकते हैं, स्कीमा यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं बना के कि जी वो किस तरह का बन रहा होगा मेरा, और इंडेक्सेस आप देख सकते हैं। देखो मैंने जैसा कि बताया था ना, अंडर स्कोर ID पे पहले से क्या हुई भी होती है, इंडेक्सिंग हुई भी होती है, तो इंडेक्सेस में आता हूँ मैं
तो आप देखेंगे यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी पे इंडेक्सिंग हुई भी है, और इस इंडेक्सिंग ने कितना एक्स्ट्रा स्पेस लिया हुआ है वो भी आप देख लें यहाँ पे। इंडेक्सिंग की टाइप्स होती हैं इसमें, तो उसमें ये रेगुलर टाइप वाली इंडेक्सिंग हुई हुई है। मैं नया इंडेक्स भी यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ, मैं किसी भी फील्ड पे बोलूँगा यार इस पे टाइटल पे लगा दो इंडेक्सिंग, ठीक है, टाइप सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, ये तीन चार टाइप्स हैं। अब इसको आप अलग से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि इन तीन चार टाइप्स में क्या फ़र्क है। बेसिकली तो वो बाइनरी सर्च वाला ही हिसाब किताब है कि उसको वो ज़रा असेंडिंग और या देख रहे हो असेंडिंग में सॉर्ट करें या डिसेंडिंग में सॉर्ट करें, तो वो सॉर्ट करना मकसद है असल में, ठीक है। या 2D स्फीयर या टेक्स्ट में का मतलब है कि उसको डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट करें, ठीक है। तो इस तरह की दो तीन स्ट्रैटेजीज़ हैं, इसको आप अलग से देखना चाहें तो देख सकते हैं। मज़ीद ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है कि जी क्रिएट यूनिक इंडेक्स। यूनिक इंडेक्स का मतलब है कि इसमें मतलब अगर टाइटल एक जैसे दो टाइटल नहीं हो सकते, इस तरह की कोई कहानी मैं करना चाहूँ तो चेक लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नए इंडेक्सेस वगैरह भी बना सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट से भी बना सकता हूँ, यहाँ से भी बना सकता हूँ, ठीक है। वैलिडेशंस वगैरह भी यहाँ पे ना रूल्स ऐड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि यार मेरे डेटाबेस में ना कोई डेटा जब मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे ईमेल की एक फील्ड है, तो उसमें ईमेल वैलिड हो जब ही सेव हो, अदरवाइज वो सेव ना हो, तो यहाँ से मैं उसकी रूल्स भी लगा सकता हूँ, ठीक है। नया रूल यहाँ पे आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम वो फ़िलहाल कवर नहीं कर रहे कि वो नया रूल कैसे ऐड होगा, वो सारी चीज़ें, तो वो आप अलग से देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम ज़रा अभी पहले क्रैड वाले मामला तो निपटाएं, अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी हम कवर करेंगे फिर। अच्छा, तो ये मैंने MongoDB उठा लिया, अब मैं यूज़र्स पे जाता हूँ, और यूज़र्स पे जाके देखें अभी जो मैंने साइनअप किया ना वो पूरा का पूरा यूज़र यहाँ पे आके मुझे दिख रहा है। क्रिएटेड ऑन में मुझे डेट दिख रही है, नाम दिख रहा है मुझे, बंदे का ईमेल मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और पासवर्ड भी दिख रहा है। दिस इज़ अ प्रॉब्लम कि पासवर्ड मुझे नहीं दिखना चाहिए, मुझे पासवर्ड को क्या करना है, हैश में कन्वर्ट करना है। हाँ, डेटाबेस में पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि डेटाबेस जिसको एक्सेस है, भाई MongoDB.com पे रखा हुआ है ना मैंने ये डेटाबेस, तो उसमें जो MongoDB में जो काम करता है बंदा, कोई तो होगा ना जो हार्ड ड्राइव वगैरह रिप्लेस मारता होगा, सफाई सुथराई करने के लिए उस रूम में आता होगा जहाँ पे रहा ये डेटाबेस पड़ा हुआ है एक्चुअल फिजिकली, तो वो तो देख लेगा फिर उसको, अगर उसको हाथ लग गया तो देख लेगा वो। वैसे तो उसमें लॉग मेंटेन हो रहे होते हैं कि किसने सिस्टम लॉग इन किया, किसने क्या किया, किसने कौन सी फाइल खोली, वो सब लॉग मेंटेन हो रहे होते हैं, लेकिन मैं लॉग मेंटेन का क्या करूँगा, मेरा तो यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना भाई। अगर किसी को उसने खोल लिया वो इन्वेस्टिगेशन होगी, पता नहीं किसने खोला किसने, भाई मेरा तो यूज़र कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना, मेरा तो पासवर्ड गया। मेरे अगर 5,000 यूज़र हैं और मेरी एक वेबसाइट है जिस पे वो डेली आते हैं, कोई सोशल मीडिया टाइप की वेबसाइट है, उस पे कुछ चीज़ें उन्होंने प्राइवेट करके सेव की हुई हैं, अब उनका अगर पासवर्ड लीक हो गया समहाउ आधे घंटे के लिए भी, तो आधा घंटा बहुत होता है वो सारा डेटा कॉपी करके साइट करने के लिए, तो मेरा यूज़र तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो ये चीज़ मैंने नहीं करनी, मैंने पासवर्ड क्या करना है, यहाँ पे भी दिखना नहीं चाहिए पासवर्ड। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं हैश में कन्वर्ट करूँगा। हैश क्या चीज़ होती है, वन वे इंक्रिप्शन होती है। हैश क्या चीज़ होती है, वन वे इंक्रिप्शन होती है। मिसाल के तौर पे जब मैं पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट कर दूँगा तो मैं उसको वापस कन्वर्ट नहीं कर सकता रियल पासवर्ड में, सही है, वापस मैं उसको रियल पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये इंक्रिप्शन की एक टेक्निक है, इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ज़रा कोड कर लेते हैं इसका, फिर थ्योरी हम इसकी थोड़ी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे क्या थ्योरी है इसकी, ठीक है। तो वैलिडेट ईमेल तो चलो बाद में लगाएंगे, अभी ज़रा ये हम हैश में कन्वर्ट करने वाला काम कर लेते हैं। अच्छा, हैश में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक अदद लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं बिक्रिप्ट, सही है, बिक्रिप्ट, और एक बिक्रिप्ट डैश इंजी करके एक लाइब्रेरी हमने लिखी थी 10 साल पहले, आ जाओ बस, ठीक है। ये एक एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है, उस पर जस्ट एक रैपर लिखा हुआ, दैट्स इट। तो ये ऐसे इंस्टॉल होती है, npmi bcrypt ng डैश, ठीक है, npmi bcrypt डैश ng ऐसे करके मैंने कर दिया इंस्टॉल। अरे यार सूडो चाहिए उसको, ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया। सर्वर को मैं वापस से रन कर देता हूँ, सर्वर को मैंने वापस से रन कर दिया, और इसको अब इम्पोर्ट कैसे करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी ऐसे करके इम्पोर्ट होगा। इसमें वेरीफाई की स्पेलिंग भी गलत है, लेकिन चलो API पब्लिश हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये इसी तरह रहेगी, गलत ही रहेगी, सही है। यहाँ पे आके इसको मैंने टॉप पे क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया। तीन फंक्शन है इसमें, स्ट्रिंग टू हैश, किसी भी स्ट्रिंग को मैंने हैश में कन्वर्ट करना है, ये फंक्शन कॉल करूँगा, इसको दूंगा ये कर देगा। वेरीफाई हैश कि अब मेरे पास हैश होगा, और अभी बहरहाल इसको छोड़ो, सही है, अभी पहले स्ट्रिंग टू हैश ज़रा कन्वर्ट करते हैं, पहले इतने को करते हैं। अच्छा जी,
अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पे आके मैंने क्या करना है, कॉन्स्ट पासवर्ड हैश लिखा मैंने इक्वल्स टू, और मैंने कहा कि स्ट्रिंग टू हैश, और स्ट्रिंग टू हैश पे अगर मैं हाथ रखूँगा ना तो ये मुझे बताएगा क्या चाहिए उसको, पासवर्ड स्ट्रिंग देना है यानी कि रियल पासवर्ड जो है, और राउंड्स बताने हैं मुझे इसके जो कि ऑप्शनल पैरामीटर है राउंड्स इसका, कि कितने राउंड घुमाना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 12 राउंड घुमाता है, 1 से लेके 12 तक का कोई एक नंबर इसमें आपने देना होता है, ठीक है। अब ये राउंड क्या चीज़ होती है, ये बिक्रिप्टिक एल्गोरिथम है, हैशिंग एल्गोरिथम है, तो उसके अंदर ये एक चीज़ होती है कि जी कितने राउंड घुमाना है आपने, तो हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट 12 पे ही छोड़ देते हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं देते, हम सिर्फ क्या करेंगे उसको रियल पासवर्ड यहाँ से दे देंगे। रियल पासवर्ड क्या है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ये मेरा रियल पासवर्ड है, ये मैंने इसको पकड़ा दिया, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये क्या देता है, मुझे ये प्रॉमिस देता है, इसका मतलब है यहाँ पे मैं अवेट लगाऊंगा, ठीक है, इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा टाइम लगाता है, कुछ जनरेट करता है समाओ कुछ करता है, थोड़ा सा टाइम लगाता है ये रिस्पॉन्स करने में, तो मैं अवेट करके ऐसे इसको लगाऊंगा यहाँ पे, और अगर तो इसमें कोई एरर आ जाता है तो मैं ऑलरेडी ट्राई के ब्लॉक में हूँ, तो वो नीचे वाले कैच में गिरेगा जाके, साइन अप फेल हो जाएगा, दैट्स इट। अब ये पासवर्ड हैश मेरे पास जो बन के आ गया ना, तो अब मैं इसको पासवर्ड की जगह पे इस हैश को रखूँगा एक्चुअली, ठीक है, हमें भी पता नहीं चलेगा, और ये मैं टू डू इसका हटा दूंगा यहाँ से। अब जब ये हैश करके मैं जब रखूँगा ना इसको, तो क्या होगा कि रियल पासवर्ड कभी भी डेटाबेस में जाएगा ही नहीं, उसका हैश जाएगा। अच्छा इस हैश को अभी हम देखते हैं इसका क्या चक्कर है, सही है, अब सर्वर चल रहा है मेरा, आ जाओ दोबारा से, अब ज़रा लॉगिन मारते हैं, ठीक है, दोबारा से साइन अप दोबारा से मारते हैं, दोबारा साइन अप किया मैंने। अच्छा ये मुझे कह रहा है भाई यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ ठीक है सही कह रहा है, इस यूज़र तो एग्जिस्ट करता है, इस ईमेल से पहले से है, डबल डबल मैसेज क्यों आया, अच्छा डबल ही लिखा मैंने इसमें यहाँ पे, तो अब मैं क्या करूँ, या तो ईमेल चेंज कर दूँ या तो यूज़र डिलीट कर दूँ। यूज़र डिलीट करने के लिए मुझे डेटाबेस में जाना है, यहाँ पे गया मैं, डिलीट का बटन आ रहा है, डिलीट डिलीट गया, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है MongoDB कंपास का, फ़ौरन फ़ौरन हो जाता है। वापस आया मैं दोबारा इसी नाम से, मैंने साइन अप मारा, साइन अप हो गया सक्सेसफुल, वापस आया डेटाबेस में, कंट्रोल आर किया या F5 जो भी होता है, रिफ्रेश किया, अब देखो पासवर्ड कैसा आया इसमें, ठीक है। अब इसको मैं कैसे भी करके कंपेयर करूँगा ना, ये नहीं होगा। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, सेम पासवर्ड रखता हूँ मैं, ईमेल चेंज कर देता हूँ, ABC1 कर देता हूँ, यानी कि मैं सेम पासवर्ड से एक नया यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब हैश जो यहाँ पे आया है उस पासवर्ड का, वही दूसरे का भी आना चाहिए, लेकिन बिक्रिप्ट हैश की यही खास बात है कि उसमें अलग अलग आता है हर दफ़ा, ठीक है। देखो अब ये दो यूज़र यहाँ पे साइन अप हो चुका है, एक ही पासवर्ड है दोनों का, लेकिन दोनों का हैश देखो अलग अलग है, इसके लास्ट में RO है, इसके लास्ट में MA है, ठीक है। शुरू का थोड़ा सा सेम है, लेकिन बाकी का अगर आप दरमियान से यहाँ से देखो तो ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। शुरू का थोड़ा सा ही चेंज है, यहाँ से अलग है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये बिक्रिप्ट हैश की खास बात है कि जब भी आप क्रिएट करोगे ना हैश, बावजूद इसके कि सेम पासवर्ड हो या सेम स्ट्रिंग हो, हर दफ़ा हैश अलग अलग लाता है वो, ठीक है। और इसमें टाइम वाइम को इंक्लूड करता है, ये रैम्बो अटैक एक चीज़ होती है, उससे ही आपको बचा लेता है, ठीक है। तो मैं ये ABC1 वाले को मैं कर देता हूँ डिलीट, सही है। मुझे अभी एक ही यूज़र फ़िलहाल चाहिए, चलो रहने देते हैं, क्या हो गया, कुछ बोल थोड़ी रहना, सही है रहने देते हैं उसको। अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, साइन अप के अंदर जो भी मैंने काम करना था ना हैश वाला, वो काम मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब साइन अप को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कोलैप्स कर देता हूँ। अब मेरा काम आ गया लॉगिन में, लॉगिन में अब ऑब्वियसली मुझे जो पासवर्ड मिल रहा था ऐसे इक्वल करके, अब इस तरह तो नहीं मिलेगा मुझे, और इक्वल करके वो मैच भी नहीं करेगा क्योंकि पासवर्ड है ABC123 और हैश में वो पता नहीं क्या रखा हुआ उसमें। तो मैं यहाँ पे ये इफ़ की जगह पे क्या करूँगा, वेरीफाई हैश का जो फंक्शन है ना मेरा, वो मैं कॉल करूँगा। वेरीफाई हैश के फंक्शन पे मैं हाथ रखता हूँ, ये कह रहा है भाई रियल पासवर्ड दोगे आप और हैश दोगे आप, तो ये आपको क्या बता देगा, आपको ये बूलियन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, अगर मैच हो गया तो ट्रू, अगर मैच नहीं हुआ तो फॉल्स, दैट्स इट। तो मैं बोलूँगा कि यार रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है, रियल पासवर्ड जो बंदे ने अभी एंटर किया है, और कॉमा डाल के रिजल्ट डॉट पासवर्ड, जिसके अंदर क्या होगा, हैश होगा एक्चुअली। तो मैंने रियल पासवर्ड दिया और जो डेटाबेस में जो सेव हैश था वो दिया, अगर ये मैच हो गया तो ट्रू आ जाएगा मेरे पास। और मैं यहाँ पे क्या लगा दूँगा, अवेट लगा के, और कॉन्स्ट इज
मैच ऐसे करके मैं बना लूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसकी जगह पे क्या बोल दूँगा कि इज़ मैच, इज़ मैच बोलूँगा ना मैं, क्या कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। इज़ मैच यहाँ पे लगा दिया मैंने, इज़ मैच में या तो मुझे ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। अगर इज़ मैच में ट्रू मिलता है इसका मतलब है कि पासवर्ड सही बंदे ने डाला है, जब ये मैच हो गया, ठीक है। मैंने जैसा कि जिक्र किया था कि जो हैश होता है, अच्छा हैशिंग एल्गोरिथम और भी हैं बहुत, ये तो बिक्रिप्ट हमने एक यूज़ किया ना, और भी हैं, SHA-256 है, AES कर ASE पता नहीं क्या है वो भी है, ठीक है, MDA करके एक है एल्गोरिथम। तो हैशिंग एल्गोरिथम बहुत सारे हैं जिसमें से जो बिक्रिप्ट है वो पासवर्ड को हैंडल करने के लिए बेस्ट सबसे समझा जाता है बिक्रिप्ट। बाकियों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बिक्रिप्ट सबसे बेस्ट समझा जाता है पासवर्ड के मामले में। दूसरे मामलात में कुछ दूसरे हैं, जैसे फ़ाइल को वेरीफाई करने के लिए MD5 को अच्छा समझा जाता है, ठीक है। ज़रा कहीं पे अगर कोई पिन वगैरह आपने कहीं लगानी है या कोई फ़ाइल को आपने इनक्रिप्ट वगैरह करना है तो, या वेरीफाई करना है उसके लिए, तो अलग अलग बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं। वेल तो मैंने क्या बोला भाई, वेरीफाई हैश, तो वेल हैश जब आप वंस हैश बना देते हैं ना किसी चीज़ को, तो उसको वापस ओरिजिनल फाइल में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर ओरिजिनल फाइल या ओरिजिनल डेटा मिल जाए तो उससे आप कंपेयर ज़रूर करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कंपेयर मोस्ट प्रॉब्लम भी कैसे करते हैं, दोबारा उसका भी नए वाले का भी हैश क्रिएट करेंगे तो वो सेम हैश आएगा, ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से वो तो अलग अलग हैश आ रहा है, लेकिन इसके पास अंदर तरीके मौजूद हैं जिससे वो क्या करता है, ज़रा उसी हिसाब से जनरेट मारता है तो वो मैच हो जाता है, ठीक है। अब ये हैश क्या चीज़ होती है, ये क्यों नहीं जनरेट होता, वापस क्यों नहीं आता, ऐसा ये सारी डिस्कशन थ्योरी वाली है, ये इंशाल्लाह हम करेंगे, कल करेंगे, सही है, होपफुली। अच्छा, इस मैच ट्रू आ गया तो मैंने कहा भाई लॉग इन सक्सेसफुल। अब लॉग इन सक्सेसफुल से पहले ना इस जगह पे मुझे एक अदर टोकन बनाना है जो कि मैं भेजूंगा कहाँ पे, फ्रंट एंड पे भेजूंगा ताकि वो फ्रंट एंड पे जाके सेव हो जाए और हर रिक्वेस्ट पे मेरे पास वापस आए। अब टोकन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, JWT चाहिए, JWT, सही है। अब JWT का क्या मंजन है भाई, आ जाते हैं। अच्छा, अब JWT से पहले ना एक चीज़ और बिक्रिप्ट के मुतालिक, बिक्रिप्ट का एक प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में जाओगे ना तो यहाँ पे ऐसे है ना, कोई भी जैसे मैंने लिखा पाकिस्तान, ठीक है, और इनक्रिप्ट का बटन दबाया तो देखो मुझे हैश बना के दे देता है, ये प्लेग्राउंड है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना हो तो वही छोटा सा कोड लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट का ही कोड है जो हमने कोड में लगाया ना, वही है इसके पीछे भी, लेकिन ज़रा ये इन्होंने अच्छा सा एक प्लेग्राउंड बना के दिया हुआ है। कितने राउंड घुमाना है, 12 किया हुआ है इसने, मैं ज़रा कम करूँगा, कम करके घुमाऊंगा तो भी हैश उसी तरह आएगा, पता नहीं चलेगा आपको कितने राउंड घुमाए, यानी हैश को देख के ये नहीं बता सकते आप कि कितने राउंड घुमाया गया इसको, ठीक है, रेनबो अटैक से बचाता है ये इसी वजह से। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मेरे पास क्या है, पाकिस्तान है ओरिजिनल स्ट्रिंग, और मेरे पास क्या है, ये हैश है, हैश को मैंने इधर पेस्ट मारा, मैं चेक करूँगा तो ये मत, अच्छा नॉट फाउंड यू लास्ट में स्पेस भी कॉपी हो गया लग रहा है साहब, नॉट क्यों बता रहा है भाई, सही तो मैंने किया है, बता रहा है। एक मिनट रिफ्रेश करते हैं इसको दोबारा, पाकिस्तान ये बना दिया इसने। अब मैं यहाँ पे भी पाकिस्तान लिखूं और साथ में नीचे एक हैश, ओ अच्छा हैश मैंने ऊपर लिखना था ना, मैं उल्टा लिख रहा था, जब ही तो नहीं चल रहा था वो। अच्छा हैश में वो कॉपी हुआ हुआ है मेरे पास, तो कॉपी पे मैंने यहाँ लिख दिया और पाकिस्तान यहाँ लिख दिया। अबे अभी भी मैच नहीं है, ठीक है सीन है, चलो ये अभी वाले को नहीं, हैश पुराना भी तो वैलिड है ना, ख़त्म थोड़ी हो गया वो, अब मैच हो गया ये, सही है। तो ये वाला मैच अभी, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, ख़त्म हो गया ना हैश मेरे पास है, हैश को मैंने इधर रखा और यहाँ पे मैंने पाकिस्तान लिखा तो ये मैच होगा, सही है। इसी तरीके से मेरे पास डेटाबेस में जो यूज़र पड़ा हुआ है इस वक्त, रिफ़्रेश किया मैंने इसको, ठीक है, ये मेरा हैश है ना, इस पूरे हैश को मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया और कॉपी करके मैं इसको इधर लाया प्लेग्राउंड में, प्लेग्राउंड को रिफ़्रेश कर लिया मैंने, हैश इधर पेस्ट किया और नीचे जाके मैं क्या करूँगा, अब एक्चुअल पासवर्ड करूँगा तो बोलेगा हाँ सही है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफलाइन एल्गोरिथम है ना, वो तो चेक करके बता देगा, कहीं पे भी आप चेक करो। इसमें मैंने बोला ABC 123, यही था ना मेरा पासवर्ड, चेक करूँगा करेक्ट बता देगा, लेकिन अगर 123 में से 3 कम कर दिया मैंने तो फिर ये फॉल्स बताने लग जाएगा, या 3 अगर लगा भी दिया
ठीक है, या इसमें से कोई एक चीज़ मैंने जैसे एक कैरेक्टर कम कर दिया इस हैश में से, तो भी ये गलत बताएगा, ठीक है, वापसी कर दूंगा तो वापसी से बताने लग जाएगा। हर तरीके से सेफ है ये, ठीक है। और एक दूसरा हैश भी था हमारे पास, दोनों सेम स्ट्रिंग पे बना हुआ था। मैं दूसरे हैश को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आके इसको मैं लगाता हूँ दूसरा। हाँ नहीं, व्हाट्सएप को अभी छोड़ो, व्हाट्सएप क्या है अभी, सही है, इसको भी मैच किया मैंने, ये भी मैच सही बता रहा है, ठीक है। एक ही पासवर्ड को जब मैंने हैश जनरेट किया था, दो अलग अलग हैश जनरेट हुआ था, लेकिन असल में जब मैं उसको मैच करता हूँ ओरिजिनल स्ट्रिंग से तो दोनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया बिक्रिप्ट का प्लेग्राउंड। हाँ, क्यू आर कोड इस तरह होता है, क्यू आर मंकी पे जाओगे आप, अच्छी वेबसाइट है ये, यहाँ जाओगे, इसमें कोई भी URL, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ईमेल, फ़ोन नंबर, बिजनेस कार्ड, लोकेशन, फेसबुक, यूट्यूब का URL कुछ भी लिखाओगे और जनरेट करोगे तो जनरेट कर देगा, ठीक है। इसका हैश से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जस्ट इमेज रिकग्निशन का चक्कर है ये, सही है। हाँ, इस पर बना सकते हो, हाँ QR कोड बना के, हाँ नहीं नहीं उसका हैशिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। QR कोड मैं वापस इस वेबसाइट को खोलता हूँ, मैंने बोला कि यार आप ना जैसे ये वाईफाई, हाँ ये दो अलग अलग है, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। ये वाईफाई का पासवर्ड देखो यहाँ पे इसके आ रहा है बनाने का ऑप्शन, मैंने यहाँ लिखा SSID होगी मेरी, मिसाल के तौर पर RD2 है, सही है। पासवर्ड इसका मैंने कुछ लिखा है कि यार ये पासवर्ड होगा, इंक्रिप्शन जो है वो WPA2 है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जनरेट क्यू आर कोड का बटन दबाऊँगा ना, ये मुझे QR कोड बना के दे देगा। अबे कब बनाएगा, जल्दी बना दे भाई, नहीं कोई गड़बड़ हुआ है, ये इतनी देर लगाता नहीं है, ये कोई गड़बड़ हुआ है, इतनी देर नहीं लगाता ये। चलो URL का बनाते हैं फिलहाल, यार ये पेज ही हैंग हो गया, URL का बनाते हैं, जनरेट QR कोड, ये इतना टाइम नहीं लगाता वैसे ही, पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हुई भी है इसमें शायद, हाँ सर्वर वगैरह कुछ डाउन है इसका, कुछ इस तरह का, अच्छा तुमने ही बनाई है, गुड यार, इसका सर्वर डाउन है अभी, नहीं नहीं और भी बहुत सारी हैं, मैंने ये वाला असल में इसलिए बताया ना, इसका मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है और सही है ये, सही है। ये भी आ गया देखो, वाईफाई इस पर आपने क्लिक किया, SSID आपने बताया, ये SSID है और ये पासवर्ड है, बस QR कोड मैंने बताया, ये बना के दे दिया इसने QR कोड। ये एंटायरली फ़ोटो के ऊपर चलता है, ये फ़ोटो के डॉट्स हैं, अगर आप इसका वाइट पेपर पढ़ोगे ना तो वो बताता है कि यार अगर ये डॉट ऑन है और ये ऑफ है तो ये बाइनरी का कोई चक्कर है, तो वो जब भी उठाता है ना उसको मैप करता है, उसको डिवाइड मारता है, उसमें देखता है कितने डॉट ऑन है कितने ऑफ हैं, यानी कितने वाइट और कितने ब्लैक हैं, और उसको वो कन्वर्ट मारता है फिर बाइनरी को, हमने बाइनरी पढ़ा था ना, ऑन ऑफ का चक्कर, ये सारा वही गेम है। फिर इसके वर्जन है, पता नहीं दो तीन वर्जन है इसके, V1 है, एक V2 है, सही है। अगर मैं V2 वाला जनरेट करूँगा ना, उसके ज़रा डॉट बारीक होते हैं, इसके डॉट ज़रा मोटे मोटे हैं, तो उसमें भी वर्जन भी हैं इसके ना, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा ना वर्जन ऑफ QR कोड, ठीक है, Model 1, Model 2 और Micro QR, ये देख रहे हो ये डिफरेंट वर्जन हैं इसके, ये Micro QR है सबसे लास्ट वाला, इसका बैंडविड्थ ज़्यादा है सबसे, क्योंकि ज़्यादा डॉट का मतलब है ज़्यादा डेटा, ठीक है, ये देख रहे हो 5, 6, 7, 8, 9, तो जितना ज़्यादा वो होगा इसमें क्या कहते हैं डॉट्स होंगे उतना ज़्यादा बैंडविड्थ होगा, ठीक है। क्या अच्छा, चलो बस उसको हम ख़त्म करते हैं। अच्छा, इस मैच अगर ट्रू हो जाता है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक JWT का टोकन जनरेट करवाऊँगा, सही है। अच्छा, तो मेरे ख्याल है टोकन जनरेट करवाने वाला काम नेक्स्ट क्लास में कर लें।